यस yes. मोहम्मद अनबर शेख अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाए मैं भी अल्लाह से ये प्रार्थना करूँगा कि अनबर के भी सब सपने पूरे हों चलो स्टार्ट करें हर हर महादेव जय श्री राम तैयार है सब बच्चे बहुत ही गजब क्लास होने वाली है ठीक है ना आपके कॉन्सेप्ट से अलग लेवल पे आ जाएंगे और जो लर्निंग होगी उसका मजा आ जाएगा ठीक है और चले स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे पॉजिटिवली तैयार हो जाओ ठीक है ना पहले जो चार पांच क्लास हो चुकी हैं वो जरूर देखने ला जिन बच्चों ने नहीं देखा है आज हम उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ठीक है हाँ एक सीट पक्की कर लो भाई सब अपनी पीडीएफ भी आएगा ना पीडीएफ आ जाएगा ठीक है राधे 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 चलो फाइप एंड सिस्टेंट सबसे पहले मैं आपको चलो एक बार पूरी क्लास का फ्लो बता देता हूं ठीक है ना कॉन्सेप्ट डिटेक्टर होने वाला है ये देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं क्या हम इनको एक लाइन में बता सकते हैं येस अभी करेंगे ये और भी बड़ा है ठीक है ना लेकिन ये सब हम आर्ग्यूमेंट से एक एक लाइन में सोल्व कर देंगे फिर यहां से स्टार्ट होगा हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है फिर इसमें केसेज रहेंगे फिर कॉन्सेप्ट टू आएगा ठीक है फिर कॉन्सेप्ट थ्री आएगा जितने कॉन्सेप्ट हमने देखे थे फिर एफिशिएंसी, फिर रेडियस का क्या रोल है फिर एक दो क्वेश्चन से एडवांस लेवल के भी करवाऊंगा फिर ऑल्टरनेटिवली जो वर्क करेंगे वो करेंगे ठीक है और कैपेसिटी टैंक की वो पूछता ना कि टैंक की कैपेसिटी क्या है उसके अलग अलग केसेस देखेंगे ठीक है ना तो ये फिर अपनी जो क्लास हो चुकी हैं वो हैं तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे और बहुत ही अच्छी लर्निंग होने वाली है आपकी बोलो सब तैयार है ठीक है चलो चले सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिटेक्टर ठीक है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सोल्व करना है नहीं होगा कोई बात नहीं हम सबसे लास्ट में दोबारा आएंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यदि आज आपके आज इस पूरी क्लास में आप कॉन्सेंट्रेट हो पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है ना पहला क्वेश्चन देखो तैयार है ठीक है एक बात टब कैन बी फील्ड द दोनों है हिंदी इंग्लिश और हिंदी में ठीक है ना पहले इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूं फिर हिंदी में पढ़ाऊंगा कैन भी फिल बाय कोल्ड वॉटर पाइप इन टेन मिनट्स कोल्ड वॉटर का पाइप है बाथ टब है उसमें दो तरह के पाइप लगी एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का जो ठंडे पाला है वो तो दस मिनट में भर देता है और बाथरूम फॉर टर्निंग आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ दोनों को ऑन कर दिया और वो बाथरूम से चला गया रिटर्न जस्ट वेन द बाथ शुड है ना और उसने अपनी कैलकुलेसन बैठा ली कि जब ये बात तब पूरा भर जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा ठीक है ना फाइंडिंग हावेर द वेस्ट पाइप हैज बिन ओपन ही क्लोजेज इट लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि जो नीचे वेस्ट पाइप होता है वो भी ओपन रह गया तो उसने उसको क्लोज किया एंड इन फोर मिनट मोर अब उसको चार मिनट और लगे बात तब को पूरा होने में तो आपको बताना है कि जो वेस्ट पाइप है वो कितनी देर में पूरे को खाली कर देगा ठीक है ये इंग्लिश हो गया ये हिंदी में भी आ गया चलो सर पढ़ाते बहुत तो अच्छे से समझ नहीं आता मेथड मेथड समझ में आएगा मिश्रा एस के मिश्रा ठीक है ना तो मिश्रा जी थोड़ा सा रखोगे तो समझ में आएंगे चीजें यार ठीक है ना और मैं तो बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ ना अब तो ठीक है <laughs> बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं यस यदि ये जो बच्चा इस क्वेश्चन को आजीडी के लिए लो ना क्लास में बिल्कुल ले लो अच्छा ठीक है ना जो इस क्वेश्चन को भी कर देगा एक और पूछूंगा इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन कर देगा इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छा है ठीक है फिर अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं सोल्व करता हूं फिर लास्ट में अपन आएंगे दोबारा इन पे ठीक है ना जो दो क्वेश्चन है और तब पूरा डिटेल में भी करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा आ जाओ मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं सुनना ठीक है ना वो आदमी दस मिनट में भरता ठंडे वाला पंद्रह मिनट में दोनों तो दो और तीन का रिश्वत है ठीक है ना तो इसका मतलब 60 परसेंट टाइम लगेगा तो जो दोनों मिलकर ये भरते तो भर <णीख़ा> भर मतलब भरना था वो तो दो मिनट का ही काम हुआ इनका चार मिनट और लग गए चार मिनट बाद उसने वो आके बंद किया उसके बाद चार मिनट और चला ठीक है तो इनका चार मिनट का काम यानी भरने वालों का चार मिनट का काम वो वेस्ट पाइप को करने में कितना टाइम लगा मिनट चला था वो, छ मिनट तो इन दोनों का छह मिनट का काम यानी पूरा भरने वाला काम वो कितनी देर में करेगा ठीक है ना यानी नौ मिनट लगेंगे ठीक है अब इसको पूरा डिटेल में मैं लास्ट में दोबारा समझाऊंगा तब तक हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ठीक है ना ये और देख लो ठीक है ये फटाफट मैं बता देता हूं ये बोलता है कि एक बैरल है जिसमें दो टैप हैं एक तो उसके बिल्कुल बैरल मतलब एक बड़ा सा बैरल है उसमें दो टैप लगे हुए हैं दो नल लगे हुए हैं एक उसके बिल्कुल बीचों बीच और एक नीचे नीचे ठीक है ना और जो बीच में लगा हुआ है वो छ मिनट में एक लीटर बियर निकाल देता है ठीक है और जो नीचे नीचे है वो चार मिनट में एक बियर एक लीटर बियर निकाल देता है ठीक है और फिर कैपेसिटी है इस बैरल की वो थर्टी सिक्स लीटर है एक नया असिस्टेंट आया ठीक है ना और हाँ द लोअर इज नॉर्मली यूज आफ्टर द लेवल ऑफ बियर इन द बैरल इज लोअर मिड वे क्या होता है कि जब जो बैरल है उसमें सब जो बीच वाला है पहले वो स्टार्ट करते हैं जब वो आधा हो जाता है ठीक है ना लेवल तो फिर हम नीचे वाला स्टार्ट करते हैं लेकिन एक दिन नया आदमी आ गया और उसने क्या किया कि आते ही सबसे पहले वो नीचे वाला जो टैप था उसको ओपन कर दिया इस वजह से जो न, उसका लोअर टैप है उसको 24 मिनट पहले काम में ले लिया गया तो आपको ये बताना है कि उसने कितनी देर उससे नीचे वाले पाइप को खोला था एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये ठीक है कॉन्सेप्ट के साथ देखें तो ये पूरा करेंगे अपन अभी ठीक है ना और ऐसा नहीं हो कि सर बियर का क्वेश्चन पूछ लिया तो एक एक बोतल बियर लगा के सोल्व करेंगे ठीक है ना एक लाइन का क्वेश्चन है और यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आ जाएगा अदरवाइज अपन अब कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं आ जाओ बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट वो देखते हैं भरने वाला पाइप एक को दस घंटे में भर सकता है खाली करने वाला उसको बीस घंटे में खाली कर सकता है दोनों पाइप सुबह साढ़े छह बजे चलते हैं तो टैंक का भर जाएगा ठीक है ना इसका मतलब ये डबल टाइम ले रहा है ना खाली करने वाला है बीस घंटे कर रहे हैं तो इसकी एफिशंसी आधी है क्लियर है तो इससे हुआ क्या कि जो दस घंटे वाला टाइम था वो भी डबल हो जाएगा क्यों क्योंकि आधा काम इसने खराब कर दिया अब ये स्टार्ट होगा ना खाली करेगा तो काम खराब कर देगा तो उसको बीस घंटे लग जाएंगे इसका मतलब अभी साढ़े छह बजे तो बीस घंटे बाद यानी चार घंटे कम कर दो ढाई बजे ठीक है अब ये कितनों बच्चों को समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं है हम पूरा डिटेल में देखेंगे ये दस घंटे में भर सकता है इसलिए इसको प्लस रखा है और वो उसका बीस घंटे में खाली कर सकता है तो इसको माइनस ट्वेंटी कर दिया ठीक है पूरा इन दोनों कैल्शियम ले लिया तो ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है इसकी जो एफिशिएंसी है इसकी जो एफिशिएंसी है वो टू हो जाएगी ये हम लीटर में लिखेंगे कि ये जो हमारा टैंक है उसकी कैपेसिटी है ठीक है तो बीस लीटर इसका कैपेसिटी होगी बीस लीटर का ये टैंक है क्लियर है तो ये दो लीटर पानी भरता है मिनट बोल आर्स है तो आर्स में ले लेंगे और ये क्या करता है माइनस वन एक लीटर पानी खाली कर देता है एफिशिएंसी का मतलब यही है तो ओवरऑल हुआ क्या जब दोनों साथ चल रहे थे तो इसने तो दो भरा लेकिन इसने एक कम कर दिया तो एक लीटर पानी भरा गया कितनी देर में एक घंटे में ठीक है तो फाइनली एक लीटर ही गया ना वो भर तो दो रहा है लेकिन एक खाली करता जा रहा है तो बीस लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा ट्वेंटी आवर्स लगेंगे ठीक है बीस घंटे में ये पूरा भर देगा तो बीस घंटे हो जाएंगे रात को दो तीस पर ठीक है क्लियर है ना ये पॉइंट ठीक है ये एक बार दोबारा समझा देता हूं क्योंकि हम पूरी क्लास में यही आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि ये जो हमारा टैंक होगा उसकी कैपेसिटी रखेंगे ठीक है एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं बस ये इतना सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यदि आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको यहां कुछ भी नहीं आता तब भी हम पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट डेवलप करेंगे पूरी क्लास में लॉजिक डेवलप करेंगे और फाइनली आप सीख जाओगे इसलिए ये मत सोचना कि सर मैंने पहले नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूंगा देखो ये बोलता है कि एक पाइप है वो उस टैंक को दस घंटे में भर सकता है तो हमने लिख दिया दस घंटे में भर सकता है दूसरा वो बोलता है कि वो बीस घंटे में खाली कर सकता है तो इसको माइनस ट्वेंटी कर देंगे ताकि ध्यान रहे ठीक है ना कि ये नेगेटिव काम करता है बीस घंटे में खाली करता है इन दोनों का कैल्सियम लिया कितना आ जाएगा ट्वेंटी ये हम इसको हम लीटर में अज्यूम करेंगे हमारे थॉट प्रोसेस में आर्गुमेंट्स में इसको हम लीटर मान लेंगे कि जो टंकी है ना वो 20 लीटर की टंकी है डन अब यदि ये पाइप 10 घंटे में भरता है तो 20 लीटर भरने में इसको कितना टाइम लगेगा ये 10 घंटे में भरता है तो 20 लीटर पूरा भरा तो एक घंटे में कितना हुआ जो एक घंटे में एक दिन में एक मिनट में एक सेकेंड में जो वर्क होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है ना वो एफिशिएंसी होती है अब ये बोलता है कि आर्स है तो एक घंटे में जो काम करेगा वो इसकी एफिशियंसी है 20 लीटर 10 घंटे में भर देता है तो एक घंटे में दो लीटर पर आर ये एफिशियंसी है इसका मतलब ये एक घंटे में दो लीटर पानी भरता है डन दूसरे की देखो माइनस तो ट्वेंटी है इसका मतलब है बीस लीटर बीस लीटर पानी को ये बीस घंटे में खाली कर देता है तो एफिशिएंसी क्या है इसकी एक लीटर लेकिन ये खाली कर रहा है ठीक है ना नेगेटिव वर्क है इसको तो माइनस वन लिख देंगे अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो जो पहला पाइप है ए ये तो दो लीटर पानी उसमें भर रहा है बी है वो एक लीटर खाली कर रहा है ठीक है ना तो दोनों मिलके हुआ क्या इसने दो भरा उसने एक खाली कर दिया तो एक लीटर पानी भरा गए अब हर घंटे एक घंटे में एक लीटर पानी भरा गए तो 20 20 लीटर भरने में हमें कितने लगेंगे 20 आवर्स ठीक है 24 घंटे हो जाते तो अगले अगले दिन का 36 बज जाता लेकिन चार घंटे पीछे रह गए तो ढाई बजे क्लियर है चलो अब ठीक है ना आगे इसी को अपन ये आर्ग्यूमेंट है बस ये आपका पाइप एंड सिस्टम पूरा है डन बस इतना सा आर्ग्यूमेंट है लेकिन अब इसकी वेराइटी बनेगी वो लैंग्वेज चेंज करेगा वो क्वेश्चन में वेरिएशन करेगा ठीक है ना एफिशियंसी में चेंज करेगा वो सारे वेरिएशन आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे चलो क्लियर है एक टैंक के पांच घंटे में पाइप ए द्वारा भरा जाता है और आठ घंटे में पाइप बी द्वारा खाली कर दिया जाता है तो कितना टाइम लगेगा फटाफट बताओ ठीक है ना बताओ तेरह तैतीस आगे आंसर ठीक है ना रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा रेलवे में बहुत अच्छी जॉब आ रही है इस बार ठीक है क्या हुआ आ, कुछ बच्चे आंसर चेंज करने लगे ठीक है ना वो शायद ये भूल गए और ये मैं बोल के भी नहीं गया था ठीक है ना ठीक है मैं जब बोला था तो ये ये लाइन मैंने नहीं बोली ये वर्ड मैंने नहीं बोला था ठीक है तो जो बहुत जल्दी सोल्व कर रहे थे वो ये चीज मिस कर गए थे ठीक है ना और आज मैं ऑप्शंस पूरे बना के लेके आया हूं यदि कहीं कुछ तो एग्जाम में वाले सेट कर देते हैं ठीक है ना जैसे कुछ क्वेश्चन थे लास्ट क्लास में हमने देखे थे और जहां कमी रहेगी ना वहां मैंने कर दिया है क्लियर है सबका आ जाओ समझते हैं पांच घंटे में पाइप ए भर देता है और पाइप भी आठ घंटे में खाली कर देता है ठीक है दोनों कैल्शियम ले लिया फोर्टी इसकी एफिशियंसी प्लस आठ इसकी माइनस फाइव ठीक है ना तो टोटल ओवरऑल एफिशियंसी आठ माइनस पांच यानी तीन की अफिशियंसी है टोटल तो चालीस बटे तीन ये पूरा भरने में लगेगा चालीस बटे तीन लेकिन वो बोल रहे कि नहीं पूरा भरना ही नहीं है हमें हमारे पास तो आधा ही भरना है इसका मतलब ये देखो यहां से ये क्या है चालीस क्या है चालीस लीटर है ठीक है ना चालीस लीटर है टोटल तो अब चालीस की जगह हमें बीस ही तो करना है बीस लीटर ही हमें भरना है तो कितना हो जाएगा सिक्स टू बाय थ्री डन है तो जिन बच्चों ने एरर की है वो अपने नोट्स में लिख लो दोबारा कि ये चीजें गलतियां नहीं होनी चाहिए आप जितनी तरह से गलतियां करोगे ठीक है ना एक साधारण बच्चा अपनी प्रिपरेशन में मैथ्स में जो जो सिली मिस्टेक करता है वो सारी सिली मिस्टेक मैं आपको यहां करवा के भेजूंगा यदि उसके बावजूद आप वहां पे करोगे ना ठीक है तो फिर मजा नहीं है यार ठीक है ना जितनी तरह की आप एरर कर सकते हो सारी की सारी मैं करवा के भेजूंगा आपको और मेरे साथ हैर करते चलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको मार्क करो और अगली बार नहीं होनी चाहिए चलो क्लियर <tlesnodal noise> है एक पाइप 32 मिनट में टैंक भर सकता है रिसाव के कारण 48 मिनट लग गए तो कितना समय लगेगा रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में ठीक है ना उसकी एफिशिएंसी उसका टाइम देखो आधा बढ़ गया सोलह मिनट बढ़ गया ना बत्तीस पर तो आधी टाइम आधा बढ़ गया तो एफिशिएंसी होगी इसका मतलब तीन गुना टाइम लेगा मिनट 96 मिनट 96 हटा ये कितने बच्चों को समझ आया आदमी मेडिटेशन में कैसे करें क्लास में मन नहीं लगता है <laughs> मेडिटेशन पे बात करेंगे ठीक है बिल्कुल बात करते हैं मेडिटेशन पे ये बोलो समझ में आ गया चलो मैं एक बार समझाता हूँ पहले ये जब आप इनको थोड प्रोसेस पे आ जाओगे ना चीज़ समझना है इसको ठीक है थोड प्रोसेस पे आ जाओगे तो आपका टाइम मल्टीपल हो जाएगा ठीक है ना जो सेविंग है ना आपके टाइम की आपकी जो स्पीड है वो फाइव टाइम फाइव एक्स टेन एक्स तक हो जाएगी और जब आप हर बार ये एल बनाओगे ठीक है ना तो फिर आपका टाइम उतना ही जाएगा जो आपका कॉम्पिटिटर ले रहा है पहले समझते हैं आज ये बत्तीस मिनट में इसको भर सकता है लेकिन एक रिसाव लीकेज हो गया उस लीकेज की वजह से भरने में 48 मिनट का टाइम लग गया यदि ये, ये पाइप ए अकेला चलता तो क्या होता कि ये 32 मिनट में भर देता लेकिन एक लीकेज भी हो गया जो कि इसके काम को खराब कर है ठीक है ना इसके काम को खराब कर रहे हैं पानी बाहर निकाल रहे है, तो जब ये लीकेज के साथ चला तो 48 मिनट का टाइम लगा ठीक है एल्शियम ले लो 48 और 32 का एल्शियम 96 इसकी एफिशिएंसी तीन इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी दो इसका मतलब समझो इस एक बार ठीक है ना तभी स्पीड आएगी और तभी थोड़ प्रोसेस आएगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो टैंक है वो नाइन्टी लीटर का है डेन जो टैंक है वो 96 लीटर का है फिर ये बोला कि जो पाइप ए है ठीक है ना वो पाइप 32 मिनट में भर देता है इसका मतलब है पाइप ए एक मिनट में तीन लीटर भरता है ठीक है ना एक मिनट में तीन लीटर पानी भर देता है लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि लीकेज के साथ जब चला तो इसको 48 मिनट लग गए भरने में 96 लीटर पूरा भरना था 48 मिनट लगे इसका मतलब दो लीटर हो गया हर मिनट में यानी एक मिनट में केवल दो लीटर पानी भरा गया तभी तो 96 को 48 मिनट का टाइम लगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक लीकेज था वहां पे ठीक है ना ये नेगेटिव वर्क कर रहा था तो यहां देखो तीन लीटर भरा फाइनली दो लीटर ही रुका तो इसने क्या किया इसने एक लीटर पर मिनट इसने खाली कर दिया तो ये जब एक लीटर एक मिनट में खाली करता है तो 96 लीटर खाली करने में इसको 96 मिनट लग जाएंगी यानी 60 प्लस थर्टी सिक्स वन आवर एंड थर्टी सिक्स मिनट डन ये तो था वो मेथड जो आप करते हो ठीक है अब यहां पे मोहित का 16 मिनट का काम लीकेज वाला 48 एट मिनट खराब कर रहा है तो 32 का 96 लगेंगे बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट ठीक है ना मोहित गजब हाँ बिना एलसीएम के क्या मनीष कुमार बिना एलसीएम के मनीष तुम्हारे से जस्ट ऊपर मोहित राणा ने आर्गुमेंट लिख दिया है ठीक है आ जाओ देखो ये जो मोहित ने आर्गुमेंट दिया ना ये आर्गुमेंट हम अप्लाई करेंगे इवन जो पहला ही पहला क्वेश्चन था वहां पे है ये आर्गुमेंट मैंने आपको सिखाया है ध्यान से देखो क्या हुआ देखो क्या हुआ ठीक है समझना इसको सी पी से भी करेंगे और आर्ग्यूमेंट भी समझते हैं, बहुत ही ध्यान से और यदि ये ये आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ गया ठीक है ना ईमानदारी से समझने की कोशिश करना यदि ये ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया तो आप का टाइम वर्क वर्क वेजेज पाइप सिस्टम इनमें बहुत गजब एफिशिएंसी आएगी क्वेश्चंस को करने में स्पीड आएगी और मजा आएगा ठीक है देखो एक बार ध्यान से ये जो पाइप था मान लिया ये ऊपर से पाइप लगा हुआ है ए ए पाइप ये भरेगा तो ये 32 मिनट में भर देता ठीक है 32 मिनट में भर देता लेकिन क्या हुआ कि यहां से एक लीकेज लीकेज स्टार्ट हो गए अब इस ने क्या किया ठीक है ना इस लीकेज की वजह से इसको 16 मिनट काम और करना पड़ा ठीक है ना ये आर्ग्यूमेंट है और ये आएंगे भाई बता रहा हूं ठीक है ना लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उसको सीखना ही नहीं चाहते क्यों क्योंकि वो लेवल है ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन का एक बार कॉन्सेंट्रेट होके सीखोगे हो ना तो फिर मजा आएगा आओ बत्तीस मिनट में ये भर देता लेकिन क्या वाइस पाइप ने इसको मजबूर कर दिया कि 16 मिनट और चल ठीक है ना 16 मिनट एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर कर दिया ठीक है ना और ये कितनी देर चला अब ये पाइप फोर्टी मिनट चला ठीक है ना 48 मिनट चला इसका मतलब क्या था और ये ये लीकेज कितनी देर चल रहा था लीकेज बताओ कितनी देर चल रहा था लीकेज तो पूरा मिनट ही चल रहा था ना शुरू से चल रहा था लीकेज लीकेज तो मिनट ही चला इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप ए था उसका सोलह मिनट एक्स्ट्रा लगे उसको ठीक है ना सोलह मिनट एक्स्ट्रा लगे ये जो टाइम एक्स्ट्रा लगा ना उसको सोलह मिनट का ये क्यों लगा क्योंकि इसका सोलह मिनट का टाइम ठीक है ना इसका सोलह मिनट टाइम जो जो पानी भरता 16 मिनट में कितना भर देता ये आधा भर देता ठीक है ना 16 मिनट में ये आधा भर देता तो ये पानी जो आधा भरता ना ये इस लीकेज ने खराब कर दिया इसका काम और लीकेज को इसका आधा काम खराब करने में कितना टाइम लगा 48 मिनट यानी जो आधा इसने भरा ना पाइप में पाइप ए ने ठीक है आधा भरा उसको लीकेज ने 48 मिनट में खत्म किया तो लीकेज को पूरा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा 96 सिक्स मिनट ठीक है बताओ ईमानदारी से बताओ ये आर्गुमेंट समझ में आया क्या ठीक है क्लियर है क्या ये एक आर्गुमेंट समझाओ कि ये चीज समझ में आई क्या फटाफट ठीक है ना मैं ये जानना चाह रहा हूं कितने बच्चों को समझ में आया कितनों को नहीं आया ठीक है थेके? ये समझ में आ रहे ठीक है चलो ये ये भी अच्छा है कि सबको समझ में आ गया ठीक है ना सेम यही आर्ग्यूमेंट अपन जो पहला ही पहला क्वेश्चन था ना जो गर्म पानी और ठंडे पानी वाला वहां पे लगाएंगे बहुत ही अच्छा ठीक है ना गुड चलो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं ठीक है ना यहां देखो एक बार सीपीआर से भी करेंगे फिर अभी इसको ये बोला कि बत्तीस मिनट में एक टैंक भर देता वो अकेला चलता तो बत्तीस मिनट में भर देता Then, लेकिन इसकी वजह से रिसाव की वजह से उसको 16 मिनट एक्स्ट्रा लगे ठीक है ना 16 मिनट एक्स्ट्रा लगे इसका मतलब उसका पाइप ए का 16 मिनट का, का काम खराब हुआ ना ठीक है उसके 16 मिनट के काम को खराब करने में इसको ये तो पूरे टाइम ही चला, इसको 48 मिनट चली तो उसके 32 मिनट में यानी पूरे को खराब करने में यानी पूरे को खाली करने में इसको डबल लगेगा नाइनटी मिनट ठीक है अब एक बार में यही चीज आपको एलसीएम से भी समझाता हूं ठीक है ना समझना एलसीएम से भी समझना आओ ये 32 मिनट भर रहा था ठीक है ना और ये फिर भरा गया 48 में ठीक है इनका एलसीएम 96 फिर इसका एफिशिएंसी 3 इसकी एफिशिएंसी 2 इसकी माइनस वन और इसका 96 मिनट ऐसा हुआ ना ठीक है अब एक बार इसको भी समझना ठीक है देखो ये एक मिनट में कितना पानी भर रहा है तीन लीटर एक मिनट में तीन लीटर पानी भर रहा है मैं यहां पे ये टैंक बना रहा हूं ठीक है या फिर एक बार यहां समझो ए तीन लीटर भरता है एक मिनट में बी एक लीटर खाली करता है एक मिनट में और दोनों ने मिलकर क्या किया दो लीटर भरा एक मिनट में ठीक है अब इसी को एक बार यहां समझते हैं ध्यान से समझना ठीक है ए तीन लीटर भर देता है एक मिनट में और ये पूरा कब भरा गया रिसाव के साथ बात करें पर रिसाव के साथ पूरा कितनी देर में भरा गया 48 मिनट में इसका मतलब ये जो पाइप ए था ठीक है मान लो यहां कोई बड़ा टैंक और होगा उसमें से कितना पाइप निकाल कितना पानी निकाल दिया इसने एक लीटर निकाल रहा था ये तीन लीटर निकाल रहा था एक मिनट में तो 48 में कितना निकाला थ्री इंटू फोर्टी ठीक है ना 144 लीटर 144 लीटर निकाला ना जबकि ये टैंक तो खुद कितना था 96 लीटर का था ठीक है? तो 96 लीटर तो इसने ये भरा और प्लस प्लस ठीक है ना प्लस 48 लीटर और निकाल दिया इसका मतलब है, ये हुआ ना अब एक मान लो एक बड़ा टैंक और था तो उससे कितना पानी निकल गया उससे एक लीटर निकल गया ना एक मिनट का तीन लीटर ठीक है ना यहां इस आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझना है अदरवाइज है ना एक बटे पांच एक बटे फोर्टी एट एक बटे बत्तीस करते रहोगे ठीक है और यह समझ में आ जाएगा तो आपको ये पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग क्या है कैसे वर्क करते हैं कॉन्सेप्ट है। तो वहां से पानी कितना निकला एक सौ चौवालीस लीटर निकल गया ठीक है तो कितना ज्यादा निकल गया ये यदि मान लो ये कैपेसिटी देखें तो ये एक तो पूरा भर गया टैंक प्लस आधा और भर गया ठीक है ना यही हुआ ना वन फोर्टी फोर में नाइन सिक्स प्लस तो तो पूरा भर गया ये और एक आधा भर गया अब इस टैंक को जो आधा एक्स्ट्रा वो क्यों वो क्यों भरना पड़ा इसको आधा एक्स्ट्रा ठीक है ये आधा जो एक्स्ट्रा था ये क्यों भरना पड़ा क्यों भरना पड़ा क्योंकि ये रिसाव लगा हुआ था खाली करने में अब रिसाव कब कितनी देर चला रिसाव रिसाव भी पूरा 48 मिनट चला था तो रिसाव को 48 मिनट लग गए इस आधे पानी को निकालने में तो ये रिसाव इस इस पूरे को टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगा इसका डबल लेगा 96 मिनट बस ये आपका एक अलग लेवल पे आर्गुमेंट आ गया ठीक है अब इस आर्गुमेंट को हम आगे धीरे धीरे अप्लाई करेंगे अच्छे से समझेंगे एक सीपीआर से भी देख लो इसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा सोलह मिनट ज्यादा लगी कितने पर बत्तीस पर तो सोलह बत्तीस पर लगी हैं यानी एक बटे दो टाइम ज्यादा लगा तो एफिशिएंसी कितनी कम हो जाएगी वन बाई थ्री इसका मतलब भी इसकी 1 by 3 है इसकी एफिसियन बाई थ्री कम होगी जो टैंक है उसको तीन गुना टाइम लगेगा इस बत्तीस का तो इस बत्तीस का तीन नाइनटी सिक्स ठीक है सीपीआर जिन बच्चों ने सीपीआर नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना ठीक है ना सीपीआर भी बहुत गजब आर्ग्यूमेंट है हम अप्लाई करेंगे अब देखो ये एक नल तीन घंटे में टैंक भर सकता है एक रिसाव पाँच घंटे में खाली कर सकता है यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा विच इज़ क्लोज फॉर हाफ एन आवर ये तो यार इंग्लिश में अलग है ठीक है हिंदी में अलग है चलो एक बार ट्राई करके देखो ठीक है एक बार बोलो एक बार इसको भी ट्राई कर लो क्योंकि दोनों में इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से कर लो और हिंदी वाले हिंदी से कर लो इसका मतलब ये हुआ कि एक टैप है वो टैंक को तीन घंटे में खाली कर सकता है और लीकेज है तीन घंटे में भर सकता है और लीकेज है वो पांच घंटे में खाली कर सकता है टैप एंड लीकेज इसके बाद ब्रैकेट में मिला बोला है कि जो लीकेज है वो हाफ एन आवर क्लोज रहा ठीक है ना पहले आधे घंटे लीकेज है वो क्लोज रहा उसके बाद वो चालू होता है तो अब इन दोनों चालू हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में अब ये हिंदी और इंग्लिश भी लिखो ना साथ में यार अनिल चौधरी सर मैं आपके स्टूडेंट हूँ ठीक है अनिल तुम टाइम लेके आ जाना ठीक है बी आ रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक है जो इंग्लिश वाले हैं वो बी चेक कर लो और हिंदी के अकॉर्डिंग भी चेक कर लो। ए आ रहा है हिंदी के अकॉर्डिंग ठीक है ना ये चेक कर लेना अभी ये हिंदी है और ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग बच्चों का आंसर आ रहा है ठीक है आगे चलते हैं हिंदी में थ्री बाई सेवन ठीक है इंग्लिश से भी आ रहा है चलो एक स्विमिंग पूल में तीन ड्रेन पाइप हैं, ठीक है ड्रेन पाइप का मतलब खाली करने वाले हैं प्रथम दो पाइप ए और बी जब साथ काम करते हैं तो पुल को खाली करने में ए और बी दोनों खाली करते हैं तो पाइप सी द्वारा खाली करने में लिए गए समय का आधा टाइम ही लेते हैं जब ए और बी दोनों चलाते हैं तो उनको आधा ही टाइम लगता है कभी जब सी अकेला काम कर रहा होता है दे? और पाइप ए पाइप बी से आधा समय लेता है यदि हम केवल पाइप ए और बी की बात करें तो जो पाइप ए है वो आधा टाइम ही लेता है ठीक है ना पाइप बी की बजाय तो जब वो वो एक साथ तीनों जब काम करते हैं तो छह घंटे चालीस मिनट में पुल को खाली कर देते हैं तीनों एक साथ काम करते हैं तो छह घंटे चालीस में कर देते हैं तो पाइप ए द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये अच्छा है नहीं कल तो मुश्किल है तुम बात करके आ जाना ना चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा चुका हूं अब ठीक है ना तो अब ये मत बोलना कि सर मुझे तो ये नहीं आता मुझे ये नहीं आता या पहले मैंने पढ़ा नहीं था मैथ्स वीक था ठीक है ना ये हारे हुए लोग ये बातें करते हैं और जो विनिंग एटीट्यूड होता है वो क्या बोलते हैं अभी सीखूंगा सर मैं पूरा एफर्ट करूंगा ये करूंगा नहीं हुआ अगला क्वेश्चन कर दूंगा वो नहीं हुआ उससे अगला कर दूंगा लेकिन मैं हर क्वेश्चन के लिए हर कॉन्सेप्ट के लिए लड़ूंगा वो एटीट्यूड होता है विनिंग का ठीक है करें आ जाओ ये बोलता है कि एक स्विमिंग पूल है ठीक है ना और इसमें तीन ड्रेनेज पाइप हैं ए बी और सी अब ये बोला कि यदि ए और बी दोनों साथ काम कर रहे हैं ठीक है ना ए और बी दोनों साथ काम करते हैं तो इनको सी के कंपेरिजन में आधा ही टाइम लगा आधा टाइम लगा मतलब उनकी एफिशिएंसी डबल है वो दोनों मिलके डबल काम कर रहे हैं तभी तो आधा टाइम लगेगा क्लियर है ना मान लो ये एक लीटर निकाल रहा है तो वो दो लीटर निकालना शुरू कर देंगे तभी तो आधा टाइम लगेगा इसका मतलब एफिशिएंसी पे बात करें तो इसकी एफिशिएंसी यदि वन है तो इन दोनों की मिलाकर टू है क्लियर है ये पॉइंट आगे बोलते हैं कि पाइप ए पाइप बी से आधा समय लेता है ठीक है ना तो यहां भी यह चीज क्लियर हुई कि जो पाइप ए है ठीक है ना वो भी आधा टाइम ले रहा है बी का अब इन दोनों के बारे में बात कर रहे ठीक है तो यहां हमने देखा कि जो ए है इसकी एफिशिएंसी डबल है किसकी बी की ठीक है ना इसकी बजाय एफिशिएंसी डबल है ठीक है तो अब इसको रेशियो में बना लें तो तीन से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा तीन और ये दोनों मिला के ताकि ये इंटीजर वैल्यू रहे ठीक है ना और ये हो जाएगा बी दो हो जाएगा और ये चार हो जाएगा ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ठीक है तीन दो और चार अब दोबारा एक बार इसी चीज को अच्छे से दोबारा समझते हैं देखो ये बोला कि अब यहां से एफिशिएंसी है इसका मतलब है मैं एक बार इसको लिख देता हूं ठीक है ना मैं अपन एक बार एज्यूम कर रहे हैं टाइम ताकि जो बच्चों को नहीं समझ में आया ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ठीक है ना इस पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अदरवाइज यदि कॉन्सेप्टअल अंडरस्टैंडिंग है तब तो आप बहुत फास्ट करोगे अदरवाइज है ना चीजें समझ में नहीं आएंगी कि यार क्या बनाऊं क्या करूं समझ रहे हो ना इसलिए मैं जितने वेराइटी यहां पर आपको सोल्यूशन में बताता हूं उन सबको कोशिश करो समझने की आओ हम इसको मान लेते हैं कि ये 12 लीटर है एक टैंक ये जो स्विमिंग पूल है इसमें 12 लीटर पानी आता है ठीक है ना तो सी अकेला तीन लीटर खाली करता है पर आर एक घंटे में सी तीन लीटर खाली कर देता है ठीक है तो सी को कितना टाइम लगा खाली करने में ये बताओ 12 लीटर है और सी तीन लीटर खाली करता है तो सी को कितना टाइम लगा चार घंटे लग गए ना और उन दोनों की बात करें तो ये दोनों ये दो लीटर खाली करता है एक घंटे में और ये चार लीटर दोनों मिलकर छह लीटर खाली हैं ए और भी दोनों चला दिया तो एक घंटे में छह लीटर खाली हो गए तो बारह लीटर खाली करने में दोनों को कितना लगा टाइम दो घंटे ठीक है इसका मतलब पहली चीज सही होगी ये बोला कि सी अकेला करता तो उसकी बजाय उसको आधा टाइम लग रहा था ए और बी को तो ये जो स्टेटमेंट है ये सब क्यों बता रहा हूं मैं ताकि आपके माइंड में थ्री में यह क्लियरिटी आ जाए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझ लो ना मैथ्स ये ना मैथ्स क्या है इस चीज को समझना मैथ्स एक यूनिवर्स का लैंग्वेज है ना मैथ्स ये थोड़ी है कि x प्लस वाई कर दिया एक बटे पांच कर दिया एक बटे तीन कर दिया ये मैथ्स नहीं है समझ लो ना इस मैथ्स को तो हमने फिर ये स्टेटमेंट दिए क्लियर है उनको फिर एलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है समझ लो ना जो फॉर्मूले देखते हो आप जो इक्वेशन देखते हो वो तो इन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें शॉर्ट वे में समझ रहे हो वो तरीका है लेकिन यदि हम इन स्टेटमेंट को ही समझ लें तब तो हमारी स्पीड का कोई मुकाबला ही नहीं है क्लियर है ना चीज और यही यही वैदिक मैथ्स का आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि जो स्टेटमेंट्स हैं हम उन स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में समझ लें उनको पता चल जाए कि वो उस स्टेटमेंट का जो फंक्शनिंग है वो क्या है तो कितनी आसान हो जाएंगी चीजें सोच के देखो दोबारा बोलूं अब ये फाइनली समझना तीन ड्रेनेज पाइप है पहले दो पाइप ए और बी जब साथ काम करते हैं तो पुल को खाली करने में सी द्वारा लिए गए टाइम का आधा टाइम लेते हैं इसका मतलब ए, ए और बी की एफिशिएंसी तो डबल है भाई डन फिर देखो फिर पाइप ए, ए बी से भी आधा टाइम लेता है ए है वो बी से भी आधा लेता है इसका मतलब ए की एफिशिएंसी तो डबल होगी ठीक है ना तो ए को यदि ए की एफिशियंसी दो है इसकी एक है ठीक है ना इन दोनों की तीन हो गई तो आधा है तो ये 1.5 हो जाएगा इसका हमने डबल कर दिया तो ये वैल्यू आ गई तो ये है ना इस इस लाइन को पढ़ने के साथ आपका ये, ये रिश्वत आ जाना चाहिए था एबीसी का जो बच्चे बोलते हैं कि सर स्पीड नहीं आती ठीक है ना वो स्पीड इसलिए नहीं आती भाई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है ना इसलिए नहीं आती स्पीड क्लियर है ठीक है ना अब आ जाओ ये बोलते हैं कि तीनों साथ काम करते हैं छह घंटे चालीस मिनट लगे जब तीनों साथ काम कर रहे हैं तो कितना इसने चार लीटर भरा ये मैं लिख रहा हूं यार आप है ना लिखना मत कभी ठीक है ना जब घर पे करो ना तब तो ये लीटर और ऐसे बनाओ ताकि क्लियरिटी रहे लेकिन एग्जाम में थोड़ी लिखना है नहीं एग्जाम में नहीं लिखना पड़े इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं ठीक है एक कहावत है ग्रीक कि युद्ध में खून ना बहाना पड़े इसलिए जब शांति काल हो पीस का टाइम हो तो खूब पसीना बहाओ जो पीस के टाइम में शांति काल में पसीना बहेगा उसका युद्ध में खून कम बहेगा याद रखना इस लाइन को और अपने जो रजिस्टर में लिख भी लेना कि मैं ये खून ये पसीना इसलिए बहा रहा हूं यहां पे ताकि मुझे एग्जाम में, में मेरा खून ना बहाना पड़े और एग्जाम में खून क्या है टाइम नेगेटिव मार्किंग क्लियर है ना ये चीज अब ये एक घंटे में चार लीटर भरता है ये दो लीटर और ये तीन लीटर तो तीनों ने मिलकर कितना भर दिया नौ लीटर भर दिया एक घंटे में लेकिन बोला कि ये तो छह घंटे चालीस मिनट चला भाई ठीक है ना छह घंटे और चालीस मिनट प्लस टू बाई थ्री ठीक है ना ये तो छह घंटे चलता नो लीटर भरा तो फिफ्टी फोर तो ये हो गया प्लस इसका टू बाई थ्री छ हो गया इसका मतलब सिक्सटी लीटर ठीक है ना जो टैंक है उसकी कैपेसिटी सिक्सटी लीटर है डन अब ये क्या बोलता है कि बताओ ए ए को खाली करने में कितना टाइम लगेगा ए तो चार करता है भाई सिक्सटी लीटर पंद्रह घंटे लगेंगे हटा हटा साउंड की घटा क्लियर है बोलो फटाफट ये से ना बोलो ए तीन बी भी मिलकर दो में और सी चार में करेंगे सारे मिलकर चार बटे तीन में कर देंगे ठीक है बोलो अब देखो अब इस को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अब इसको एक बार दोबारा देखो जो आपका पहला रिएक्शन था इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ अब उस रिएक्शन को एक बार पीछे मुड़ के चल के देखो ठीक है ना अब देखो क्या यदि आपका क्लियरिटी है ना कॉन्सेप्ट की तो ये कितना फास्ट होना चाहिए था दोबारा देखो एक बार तीन रेनेज हैं पहले ए और बी मिलकर कर, खाली करते हैं तो सी की तुलना में समय आधा लेते हैं इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी डबल है ए की एफिशिएंसी ए बी से आधा टाइम लेता है इसका मतलब ए की एफिशिएंसी भी डबल है ठीक है ना ए की बी से डबल है और दोनों की मिला के सी से डबल है डन अब दोनों तीनों ने मिलकर कितना काम किया नो और छह घंटे चालीस मिनट में किया तो साठ लीटर हो गया ये चार लीटर खाली करता है पंद्रह घंटे चलो हटा करो क्लियर है गुड बहुत ही अच्छा ठीक है ना जब आप लोगों को ये चीज इस लेवल पे क्लियरिटी रहेगी तो फिर सही है पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है ठीक है पाइप बी 24 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए कि 30 मिनट में टैंक भर जाए यहां पे मैं आर्ग्यूमेंट चाहूंगा ठीक है सोल्व करना तो हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं यहां पे थोड़ा प्रोसेस चाहूंगा ठीक है कोई थोड़ा प्रोसेस देने वाला है या मैं पूरा समझाऊं ठीक है बोलू जाओ ए है ये लास्ट तक चलेगा ठीक है कुर्सी अहमद देखो जब ये है ना हर कोई लड़का साधारण रास्ता ढूंढता है ठीक है ना वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहता ये जीवन की सच्चाई है कि जो शॉर्टकट ढूंढ रहा है या जो मेहनत नहीं करना चाहता उसको लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है याद रखना ये बात ठीक है चलो मैं बताऊं पहले मैं थोड़ प्रोसेस बोलता हूं ठीक है थोड प्रोसेस बोलता हूं उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश करना कि यदि समझ में आ रहा है वो मैं जो बोलूं वो भी समझ में आ गया तब भी आपने मानना कि आप लाखों बच्चों से आगे हो ठीक है और मैं समझा दू उसके बाद तो समझ में आ जाए इसका मतलब आप सिलेक्शन तो लेके जाओगे ठीक है चलो देखो ध्यान से ध्यान से ये 16 मिनट ए यदि अकेला चलता तो भी 16 मिनट में भर देता लेकिन बी खाली करने वाला था इस वजह से ए को कितना टाइम ज्यादा लगा ए को 14 मिनट ज्यादा लगी 30 मिनट में भरा ठीक है ना तो यह 16 मिनट में 16 लीटर भर देता ठीक है या ये मान लेते हैं कि 14 मिनट ज्यादा लगी इसका मतलब सात बटे आठ ज्यादा भरा इसने ठीक है ना जो आठ लीटर था तो इसने सात लीटर ज्यादा भरा ये ये पाइप ठीक है ना पूरा का पूरा 24 मिनट में खाली करता है यानी 8 लीटर 24 मिनट में खाली करता है तो 7 लीटर जो एक्स्ट्रा था उसको खाली करने में 21 मिनट लगेंगे ठीक है तो इसको 21 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा आ जाओ अब मैं इसको पहले समझाता हूं फिर अपन दोबारा थोड़ फोट से समझेंगे ठीक है ना ये सोलह मिनट में भर देता ये चौबीस मिनट में खाली कर देता अब ये बोला कि इसको तीस मिनट में भरना है ठीक है ना तीस मिनट में भरना है ठीक है तो दो तीन तरीके समझते हैं एल्सियम पे भी आएंगे पहले एक बार फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं ठीक है ये कितनी देर चला ये तीस मिनट सोलह मिनट में पूरा भर देता बट तीस मिनट चला क्यों क्योंकि ये माइनस था ठीक है ना ये कितनी देर चला ये हमें फाइंड करना है और ये चौबीस करता और फाइनल इन्होंने क्या किया एक यूनिट वर्क कर दिया ठीक है ये अपन टाइम एंड वर्क में भी करके गए वहां पे ये प्लस होता था क्योंकि यहां नेगेटिव इसलिए माइनस आ गया, ठीक है आ जाओ इसको करते हैं सोल्व करते हैं पहले तो फोर्टी एट हो गया ये तीन ये नाइनटी ठीक है ना माइनस टू एक्स बराबर एट इधर आ जाएगा तो नाइनटी माइनस टू एक्स बराबर फोर्टी एट ठीक है टू एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा वो फोर्टी एट उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 माइनस फोर्टी एट बराबर टू एक्स ठीक है तो ये बता दो कितना हो जाएगा 42, 42 बराबर है 2x के तो x बराबर हो जाएगा 21 के तो 21 वन मिनट बी को चलाना पड़ा ठीक है कोई बात नहीं विवेक दुबे नहीं आया मैं समझाऊंगा ना बोलो क्लियर हो गया ये पॉइंट ठीक है? है ये तो हुआ एक तरीका दूसरा हम यहां पे इसको एल्शियम लेते हैं ठीक है ना 16 और 24 का एल्शियम 48 हो गया फोर्टी एट लीटर ये तीन लीटर भरता है और ये दो लीटर खाली कर देता है ठीक है इसका मतलब है कि इनको जो चलाना है थर्टी मिनट तक चला ठीक है क्लियर है तो थर्टी मिनट में थर्टी मिनट में ये कितना भर दिया इसने थर्टी मिनट में इसने कितना भर दिया टोटल एक मिनट में तीन लीटर भरता है तो थर्टी मिनट में इसने लीटर भर दिया ठीक है लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटी है वो तो तो लीटर लीटर ही ही है ठीक है ना? 48 ही है ठीक ना ना लेकिन तो इसमें से हमें कितना खाली करना पड़ेगा कितना मान लो मैं के लीटर बोल रहा हूं के लीटर हमें खाली भी करना पड़ेगा ताकि फोर्टी एट लीटर पानी बचे उसमें वो तो भरे जा रहे हैं लेकिन खाली भी तो होगा ना टन तो खाली कितना करना पड़ेगा देखो ये हो जाएगा 42 लीटर हमें 42 लीटर खाली करना पड़ेगा लेकिन बी एक एक मिनट में दो लीटर खाली कर देता है ठीक है ना तो इसको 42 लीटर खाली करने में 21 मिनट का टाइम लगेगा ये एलसीएम लेके हो गया ये और जो मैंने फ्रैक्शन बताया था दोनों एक ही चीजें हैं वहां पर हम इक्वेश में बात कर रहे थे ठीक है ना देखो ये टू एक्स और फोर्टी एट और ये सब वही बातें थी यहां हमने उसको एलसीएम के फॉर्म में देख लिया ठीक है अब इसी को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में और थोड़ प्रोसेस में देखते हैं मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूं सोलह बटे सोलह प्लस फोर्टीन बटे सोलह तीस मिनट लगा ना तीस बटे सोलह क्या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं सिक्सटीन बटे सिक्सटीन प्लस फोर्टीन बटे सिक्सटीन एक ही तो बात है यदि बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर्स अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं क्लियर है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ठीक है ना और माइनस एक्स बटे चौबीस बराबर वन यानी एक ही वर्क करना है ठीक है अब ये बताओ ये, वर्क कितना, है? ये वर्क कितना है ये 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 कितना है है तो तो इसका मतलब तो सोलह मिनट चलता तो सोलह मिनट में एक, एक पूरा काम कर देता एक टैंक भर देता डन है ना क्लियर है एक मिनट एक पूरा वर्क यानी एक टैंक को भरने का काम वो सोलह मिनट में कर देता लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये खाली कर रहा था इसकी वजह से ठीक है ना इस इस पाइप की वजह से जो खाली करने वाला था उस पाइप को ज्यादा पानी भरना पड़ा ठीक है ना कितना ज्यादा पानी भरना पड़ा भाई सात बटे अठारह सात बटे आठ आधा कर रहा हूं मैं इसका सात बटे आठ ज्यादा भरना पड़ा तो ये ज्यादा भरा ये इसने कैंसिल आउट कर दिया ठीक है ना माइनस एक्स बटे चौबीस ठीक है अब यदि इसको चौबीस की फॉर्म में देखें तो ये क्या हो जाएगा इक्कीस बटे चौबीस ना माइनस इक्कीस बटे चौबीस तो ये पॉइंट क्लियर है तो ये दोनों तो आपस में ये इसने एक्स्ट्रा भरा सात बटे आठ को इक्कीस बटे चौबीस तो लिख सकते हैं ये भरा, इसने वो खाली कर दिया और ये दोनों बराबर हो गए वो एक जो भरा था वो बच गए ठीक है अब बताओ ईमानदारी से ठीक है बोलो सोलह मिनट में भरता लेकिन तीस चौदह मिनट ज्यादा लगे ठीक है सोलह मिनट का काम करने के लिए 24 मिनट लगा रहे हैं तो चौदह मिनट के काम के लिए इक्कीस मिनट लगेंगे ठीक <laughs> है एक आर्यन आ में मोहित ने एक अलग ही आर्ग्यूमेंट दिया वो सेम वही आर्ग्यूमेंट दिया जो पहले से चल रहा था ठीक है मोहित का क्या आर्ग्यूमेंट था वो दोबारा देखो एक बार ठीक है ना जब आप चीजें पकड़ में आ जाएंगे ना एक बार ठीक है तो बहुत ही अलग लेवल पे आ जाओगे देखो क्या चीज बोला कि उसका ये जो एक्स्ट्रा कितनी देर चला ठीक है ना अब अपन केवल जो एक्स्ट्रा वर्क है उसी पे बात करते हैं ठीक है देखो आरीयन इसको लगा रहा हूं मैं ये एक टैंक था इसमें कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा पाइप ए को पाइप ए को 14 मिनट एक्स्ट्रा लगी ना ठीक है 14 मिनट एक्स्ट्रा लगी पाइप ए को पाइप ए 16 मिनट में भर देता लेकिन 14 मिनट तो एक्स्ट्रा लगी डन तो इसकी 14 मिनट का टाइम 14 मिनट का जो काम था उसको खाली करने में इसको कितना टाइम लगा ठीक है ना इसको कितना टाइम लगा ये हमें बताना है लेकिन हमें पता है, इसने बोला है पहले कि ये जो A है ये 16 मिनट में भर देता है तो इसका 16 मिनट का टाइम बी को 24 मिनट लग जाते हैं ठीक है ना यानी 50 परसेंट अधिक लग गए ये 16 है इसका 50 परसेंट यानी इसका आधा करके और जोड़ दिया तो ये चौदह मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको करने में कितना टाइम लगेगा चौदह प्लस से इसका आधा करके जोड़ ठीक इक्कीस ना क्या आर्गुमेंट है यार बोलो निकालने वाले पाइप को बंद नहीं करता तो टैंक अड़तालीस मिनट में भर जाता बट तीस मिनट में भर अठारह मिनट ज्यादा लग रहे हैं ठीक है तो 9 में इक्कीस ठीक है ये भी नहीं नहीं ये ये तो सोलह ही हो गया ना सोलह में भर देता बोलो ये समझ में आया क्या फटाफट ठीक है जब आप मैथ को ऐसे देखोगे थोड प्रोसेस के लेवल पे तो वो बहुत अलग लेवल की क्लियरिटी आएगी ठीक है ना और मैं ये दावा करता हूं यदि आप इस लेवल पे सीख पा रहे हो और समझ पा रहे हो ना तब भी आप भीड़ से बहुत आगे आ चुके हो ठीक है ना भीड़ क्या चाहती है भीड़ कोई ट्रिक चाहती है ठीक है ना और सिलेक्शन की या सक्सेस की कोई ट्रिक नहीं होती आप मुझे कोई भी एक महान इंसान बता दो ठीक है जो ये बोलता हो कि सक्सेस के लिए मेहनत नहीं करनी होती ठीक है चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो ठीक है जो श्रेष्ठ लोग हैं आज, आज आज की जनरेशन में देखें तो रोनाल्डो ठीक है ना या फुटबॉलर की बात कर रहा हूं मैं या लियोनेल मेसी इनको आप जाके सुन लो ये क्या बोलते हैं कि रात दिन एक ही काम है प्रैक्टिस ठीक है ना रोनाल्डो तो दिन में 90 90 मिनट के चार या पांच स्नैप लेता है 90 मिनट सो के देखो एक बार आप ठीक है ना 90 मिनट फिर उठ जाओ फिर दोबारा प्रैक्टिस करो फिर 90 मिनट सो जाओ आसान नहीं है समझ रहे हो मोहम्मद अली को जाके देखो बॉक्सर था स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बीबीसी ने मोहम्मद अली को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बोला है ठीक है ना उससे जाके पूछे एक बार वो क्या बोलता है वो बोलता है उससे एक बार प्रैक्टिस करते टाइम पूछा किसी ने कि भाई साहब आप कितनी पुशअप सिटअप्स करते हो तो मोहम्मद अली का रिप्लाई सुनना बोला मैं काउंट नहीं करता जब मैं थक जाता हूं जब ये हालत हो जाती है कि मैं एक उठक बैठक नहीं लगा सकता तब मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं किस कंडीशन के बाद मैंने कितनी पुशअप्स की कितने सिटअप्स किए वो वो मेरा न, काउंटिंग है समझ रहे हो ना तो जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ दिमाग एकदम खत्म हो जाए कि यार अब कैलकुलेशन नहीं हो रही है अब दिमाग नहीं चल रहा उसके बावजूद आप और पढ़ते हो ना वो काउंट होता है ठीक है आप किसी भी श्रेष्ठ पर्सन से आप इलोन मस्क से चले जाओ इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है लेकिन वो अमीर होना तो एक अलग बात है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है मस्क तो एक साइंटिस्ट है ठीक है ना ये बात अलग है कि वो पूंजीवादी व्यवस्था में है इसलिए वो सबसे अमीर भी हो गया लेकिन वास्तव में वो कोई अरबपति या उसके लिए नहीं था वो तो एक साइंटिस्ट है आप उससे पूछो वो बोलता है हंड्रेड आवर्स पर वीक हर दिन के चौदह पंद्रह घंटे समझ रहे हो तो मुझे एक चीज आप ये बताओ कि किसी भी ठीक है ना आज की बात छोड़ो आजकल के तो जो ज्ञान देने वाले ना कि बस कुछ मेहनत नहीं करना मेरा कोर्स खरीद ले तीन महीने में एक महीने में इंस्पेक्टर है बस मेरा कोर्स तो खरीद तू यार ठीक है ना तो ये सब बकवास बातें हैं उनकी बातों में मत आना क्लियर है ना ये चीज किसी भी महान पर्सन से जाके पूछो ना भाई साहब क्या कितनी मेहनत होती है तो वो बताएगा ठीक है तो जो भीड़ है वो क्या चाहती है कि एक महीने में इंस्पेक्टर बना दो सर ठीक है ना बस फिर वो तैयार है तू तो पैसा दे मुझे मेरा कोर्स ले फिर देख एक महीने में इंस्पेक्टर बनाता हूं विश्वास बना में? नहीं, लेकिन, लेकिन नहीं करना चाहता क्यों? सबको बिना मेहनत सक्सेस चाहिए और इस टाइप के एड विज्ञापन भी खूब चलते हैं बिना मेहनत घर बैठे हर दिन के दस हजार रुपए कमाए महीने के एक लाख रुपए कमाए घर बैठे बिना मेहनत के इस टाइप के विज्ञापन आते हैं यूट्यूब पे भी देखना आप वीडियो भी आते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप उन सब चीजों से आगे बढ़ के यहां मेरे साथ टाइम दे रहे हो चीजें सीखने का एफर्ट कर रहे हो ये असली लर्निंग है ये असली जीत है ठीक है तो अपनी मेहनत को बनाए रखना है बस चले स्टार्ट चलो ये क्लियर हो गया ना क्या आर्ग्यूमेंट है देखो दो तीन तरीके से समझ लेते हैं ये 16 मिनट में पूरा भर देता लेकिन वो बोलता है तीस मिनट में भरवाना है तो इसको कितना काम ज्यादा करना पड़ा फोर्टीन मिनट फोर्टीन मिनट में कितना कर देता है एक्स्ट्रा कितना भरा सात बटे ठीक है ना सात बटे पार्ट भर दिया वो सात बटे आठ पार्ट कौन खाली करेगा ये खाली करेगा आठ पार्ट सात बटे आठ मतलब आठ टोटल है और सात करना है ठीक है ये आठ पार्ट को चौबीस मिनट में खाली कर देता है तो सात को इक्कीस मिनट में कर देगा चलो डन दूसरा आर्गुमेंट देखो कि इसका 16 मिनट का काम ये 24 मिनट में खत्म कर देता है 16 मिनट में उसने भरा लेकिन ये 24 मिनट में खाली कर देता है क्लियर है ना तो इसने इस इसको इसका 16 मिनट का काम ये 24 मिनट में खाली करता है ठीक है तो इसका 14 मिनट का काम खाली करने में कितना टाइम लगेगा 21 मिनट हटा अब आ जाओ सी सेट हो जाएगा ना क्यों नहीं होगा इस बार अपने कई बच्चों ने सी सेट क्लियर किया गुड दिमाग कहता ना कैलकुलेशन नहीं होगी तो मोक देने लग जाता हूं बहुत ही अच्छा चलो अब फटाफट उड़ाओ यार एक पाइप एक टंकी को चार घंटे में भर सकता है लेकिन तली में छेद और ये टंकी को छः घंटे में खाली कर सकता है ठीक है टंकी को एक बटे तीन भाग भरने के बाद हमने उस लीकेज को बंद कर दिया तो टंकी को पूरा भरने में शुरू से कितना टाइम लगेगा आ जाओ ये चार घंटे में भर सकता है और ये जो छेद है ये छह घंटे में खाली कर सकता है ठीक है अब ये दोनों कैल्शियम ले लिया ट्वेल्व इसकी एफिशियंसी थ्री इसकी माइनस टू इसका मतलब दोनों का जो कंबाइन है वो एक का जाएगा एक लीटर पर आर यानी एक घंटे में एक ही लीटर पानी भरा जाएगा ठीक है एक घंटे में एक ही लीटर पानी भरा जाएगा, जाएगा। क्लियर है तो ये बोलता है कि वन बाई थ्री भरना है पहले 1/3 भर दो इस के टंकी की कैपेसिटी कितनी है 12 लीटर ठीक है ना यानी ये टंकी है ये 12 लीटर की है इसके 1 थर्ड मतलब तीन हिस्से ये 4 लीटर का ये 4 लीटर का और ये 4 लीटर का ये 1 थर्ड होता है। तो ये बोला कि ये 1 थर्ड भरना है पहले तो 1 थर्ड भर दें एक एक घंटे में 1 लीटर भरा तो 4 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स 4 घंटे में चार लीटर भरने में चार घंटे लग गए फिर बोला कि अब इसको बंद कर दिया किसको इस लीकेज को यानी ये माइनस टू खत्म हो गया अब कितना पानी बचा हुआ है ठीक है ना बोलो कितना पानी बचा हुआ आठ लीटर और भरना है तो आठ लीटर भरने में और ये कितना लेता है तीन लीटर भरता है घंटे में तो आठ बटे तीन घंटे और हो जाएगा ठीक है इन दोनों को ऐड कर दू फोर प्लस एट बाई थ्री फोर प्लस एट बाई थ्री तो ये हो जाएगा थ्री में बारह प्लस आठ बीस बटे तीन ट्वेंटी बाई थ्री बस ये आ गए समझ का ठीक है ना फोर प्लस एट बाई थ्री बहुत ही अच्छा ठीक है ना क्लियर है ठीक है देखो कई बच्चे सर ये इजी था नहीं होता है क्या है कि जो आपको आ, आ जाता है ना वो इजी होता है और जो आपसे नहीं होता वो आपके लिए टफ होता है ठीक है ना मेरे तो सारे क्वेश्चन इजी हैं समझ रहे हो कभी जब वो आपको आते हो ठीक है चलो एक नल किसी टंकी को छह घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के तीन नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगा अब ये ना एक एक सेकंड के क्वेश्चन है यार यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अदरवाइज फिर वो एक्स वाई मानते रहो करते रहो बोलो एलसीएम को साथ लेते चलो ना रूपिंदर गुप्ता बहुत ही अच्छा सबसे पहला आंसर रूपिंदर का है ये स्पीड होनी चाहिए यार मैंने बोलना खत्म किया इतने में आंसर ठीक है गुड बहुत ही अच्छा और ये एबीसी मत लिखो यार कौन लिख रहा है ये मुकेश पुनिया नहीं मुकेश और सी तुम आंसर ही गलत लिख रहे हो यार ठीक है देखो 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 इसी प्रकार के तीन और नल खोल दिए जाते हैं ठीक है ना तीन नल और खोल दिए जाते हैं तो टोटल चार नल हो गए ठीक है रूपिंद्र गुप्ता सर न्यून से, से ही आ गया ठीक <laughs> है गुड आज वो मैं समझाता हूं ये बोला कि एक नल किसी टंकी को घंटे में भर सकता है ठीक है ये अब देखो एक बार क्या होता है कि मुझे ये बना के बताना है मैं हर बार क्यों बना रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाए आज हमारे पास टाइम है दोस्तों टाइम की कमी है ना एग्जाम में होगी जब एक घंटे का पेपर होगा ना वहां पे एक एक सेकंड की लड़ाई होगी इसलिए यहां समझो ताकि आपके माइंड में चीजें बन जाएं आओ तो ये बोलता है कि घंटे में तो पूरा भर देता तो आधा भर गया ये आधा भरने में कितना लगा तीन घंटे ठीक है लेकिन बोला कि एक नल तो चल ही रहा था अब इसके साथ तीन और नल चला दिए ऐसे कैसे ठीक है ना तीन नल और एक्स्ट्रा आ गए तो अब चार नल होगी ठीक है ना और ये कितना भर रहा था हम ये मान ले लें घंटे ये अकेला करता तो कितना टाइम लगते तीन घंटे और लगते इसको भरने में ठीक है लेकिन एफिशिएंसी चार गुना होगी ना तीन और आ तो चार गुना होगी तो टाइम वन बाई फोर हो जाएगा तो जो तीन घंटे लगते थे उसका वन बाई फोर हो जाएगा यानी थ्री बाई फोर आवर्स थ्री बो, थ्री बाई फोर आवर्स मतलब फोर्टी फाइव मिनट तो तीन घंटे पैंतालीस मिनट ठीक है ना बिल्कुल क्लियर है ठीक है ना ये आर्ग्यूमेंट था और ये सबको ठीक है क्लियर है बोलो कर सकते हैं ना क्या करना था कि छह घंटे में पूरा भर सकता है आधा भर दिया है तीन घंटे लग गए फिर बोला आधा और भरना तो तीन घंटे और लगते लेकिन तीन पाइप और ओपन कर दिए यानी टोटल चार पाइप हो गए चार पाइप होते मतलब एफिशिएंसी टाइम्स होगी तो टाइम वन बाई फोर लगेगा तो तीन घंटे का वन बाई फोर यानी थ्री बाई फोर आर से और लगेंगे तो तीन घंटे पैंतालीस मिनट डन है आ जाओ अब आर्ग्यूमेंट तो मैं क्लियर कर चुका हूं सारे ठीक है ना अब उनको फटाफट अप्लाई करना शुरू करूं है? एक टंकी का एक चौथाई भाग पाइप ए द्वारा तीन घंटे में बढ़ता है एक तेई भाग दो घंटे में बढ़ता है दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा फटाफट आंसर करो इस चीज को समझ में आ गया देखो एक बार मैं बना देता हूं एक टंकी का एक चौथाई तो भाग ठीक है ना यानी एक चौथाई तो मतलब चार भाग चार भाग तीन घंटे में भरता है तीन घंटे में एक चार में से एक पार्ट भरता है तो पूरा भरने में कितना लगेगा तीन घंटे हर चौथाई तो भाग को भरने में तीन घंटे लगेंगे ठीक है ना तो टोटल बारह घंटे लगेंगे इसको हम ये तो माइंड में चलना है इसको हम फ्रैक्शन में देख सकते थे वन बाई फोर करने में यानी वन पार्ट भरने में तीन घंटे लगते हैं तो चार पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा बारह घंटे ठीक है अब ये ना मैं ये चाहता हूं ये सारी चीजें इसलिए बना रहा हूं कि आपको फिर दोबारा बनाना ना पड़े जैसे आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा वन फोर तीन घंटे में करता है, तो पूरा बारह घंटे में करता है ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए ठीक है पूरा बारह में करता है फिर बी के लिए देख लो ये वन थर्ड दो घंटे में करता है यानी एक तीन में से एक हिस्सा दो में करता है तो पूरा कितने में करेगा छह में यहां पे एक और दो का रेश है तो इसका टू थर्ड कर देंगे चार घंटे में चलो ये याद है क्या वन और टू वाला रेशू हाँ टू बाई थ्री ठीक है बोलो आ गया ना अब ये विधि वैल्यू याद है ठीक है तो आसान हो जाएगा अदरवाइज ये ले लो ये वन हो गया ये टू हो गया ये तीन कर दिया बारह में तीन का भाग दिया तो चार आ गया ठीक है अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो प्रवेश दीवान रंग एक भी गगन प्रताप की टचिंग है तो फिर तुम पढ़ के रैंक ला के बताओ ना क्या नाम है प्रवेश दीवान मैं वेट करूंगा और यदि तुम्हारा इस साल रैंक बनाया तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा डन है ठीक है या तुम भाड़े के टट्टू हो जो यहां पे ये बकवास कर रहे हो यदि वास्तव में तुम्हें लगता है कि भाई वहां पढ़ के वो ठीक है सब अच्छा पढ़ाते हैं वो किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना ठीक है ना जिसको जहां समझ में आए वहां पढ़ लो ठीक है लेकिन कि वर्ग उसका रैंक वन आया जैसे वो तुम्हें पता है कि तुम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे समझ रहे हो और तुम्हें पता है कि हाँ रैंक वन उसका ही है ठीक है तब तुम ये बोल रहे हो ठीक है और यदि ऐसा है तो फिर तुम पढ़ के बताओ ना तुम रैंक बन ला के दिखाना अगली बार चलो और वो सारी चीजें मैंने वो वीडियो में कर दी बता दी थी ठीक है वो दोबारा नहीं करना चाह रहा मैं वो सब ठीक है वो उस पर कॉपी स्ट्राइक करके वो वीडियो हटवाई है अदरवाइज यदि सच्चाई होती है, तो सामने आके बोलता ना अभी अमन दत् और अलग पांडे वाला चल रहा था मैटर तो अलग पांडे ने ये थोड़ी पीछे से वार करके वो कॉपीराइट से हटवाई नहीं उसने आके बोला साफ ठीक है अब कौन सही है कौन गलत है वो फैसला सब लोग अपना अपना करते रहे लेकिन उसने आके बोला ना सामने ठीक है ना बट छोड़ो अपन यहां पे करते हैं दो पाइप की एफिशिएंसी दो तीन के अनुपात में है यदि किसी काम को करने के लिए पहले को तीस दिन लगते हैं दो की एफिशियंसी है इसकी तीन की एफिशियंसी थी इसको बीस ही दिन लगेंगे ठीक है ना और दोनों मिलकर बारह दिन में कर देंगे लेकिन ये बोलता है कि दो गुना है तो चौबीस दिन में हटा हटा साउंड की घटा कितनी बार आ गया ये बीस तीस बारह वाला है यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो दो सेकंड का क्वेश्चन था ये हाँ इसमें ये जरूर ध्यान रखना था कि दो गुना है और इसने बारह ऑप्शन में नहीं दे रखा है यार क्या करें ये मेरे से भी छूट गया अगली बार यहां ट्वेल्व करता हूं ठीक है ना बोलो याद है ठीक है बोलो ये, अब ईमानदारी से बताना देखो कितनी वैरायटी पे कितनी वैरायटी पे क्वेश्चन बनते हैं यार कितनी वैरायटी पे ठीक है दो पाइप हैं उनकी एफिशिएंसी का रेशियो टू और थ्री है ठीक है ना और दोनों किसी काम को पहले को तीस दिन लगते हैं तो टोटल सिक्सटी हो गया और इसको कितने दिन लग गए दोनों को मिलकर काम करेंगे तो पांच दोनों को मिलकर बारह दिन लग गए ठीक है और डबल काम करना है तो चौबीस दिन लग जाएंगे यही हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे चलो अच्छा इसका हिंदी नहीं है मैं समझा देता हूं एक पाइप का डायमीटर व्यास डी है ठीक है ना और ये चालीस मिनट में पाइप को खाली कर सकता है तो आपको बताना है कि ऐसा पाइप जिसका डायमीटर 2D हो वो कितना टाइम लगेगा ठीक है ये प्रीवियस एयर हैं सारे और प्रीवियस अभी लेटेस्ट हैं। वो अपने ऐप पे जाके देखो ना सीपीओ के लास्ट के तीन साल के सीजीएल के तीन साल के चार साल के सीएचएसएल के चार साल के एमटीएस जीडी सब तो करवा रहे हैं यार रीजनिंग करवा रहे हैं और जीके और इंग्लिश की मेरी फैकल्टीज तैयार हो रही है बहुत जल्दी वो भी करेंगे उनके तो विद सॉल्यूशन पीडीएफ दे दिए और क्या चाहिए भाई ठीक है ना और यहां मैं जो करवा रहा हूं वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही है ठीक है ना और उनके साथ कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए रखे हैं ठीक है ना ताकि वो क्यों रखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो और आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से आसानी से कर पाओ करें क्वेश्चन हिंदी एक एक हिंदी में नहीं आए तो क्या हुआ यार सारे तो हिंदी में आ रहे हैं ये कोई वो बेचारे से टाइपिस से मिस हो गया होगा ठीक है ना आ जाओ मैं बोलता हूँ ये बोलता है कि एक पाइप है ठीक है एक पाइप है इसका डायमीटर जो है इसका जो व्यास है वो डी है ठीक है ना और ये किसी टैंक को खाली कर देता है खाली कर देता है चालीस मिनट में इसका डायमीटर डी है ठीक है ना व्यास डी है एक पाइप और है और इससे ये इसका व्यास 2d है यानी इससे डबल है ये ठीक है ना इससे डबल है 2d है ठीक है इसका ये 2d है तो आपको बताना ये कितना टाइम लेगा अब यहां चीज समझना कि जो पाइप होता है उस पाइप से जो पानी आता है जो वॉटर फ्लो होता है वो पाइप का जो न, ऐसे यदि मान लो ये, ये पाइप है जब अपन उसको देखते हैं ना क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा जैसे मान लो ये पाइप है इमेजिन करो किसके पीछे पाइप है ठीक है ना इसके पीछे पाइप है पूरा तो जो ये पार्ट हमें दिख रहा है ठीक है ना ये पार्ट इस पार्ट में है और इसने लिखा नहीं ये हम नहीं लिखेगा तो हम मान लेंगे अदरवाइज वो लिखता भी है कि जो वाटर फ्लो है वो इस पाइप के आर रेडियस होते हैं ना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन वो स्क्वायर में बन जाएगा एरिया ठीक है ना जो वोटर है या एफिशिएंसी 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 ले लो पे फ्लो का बोल सकते हैं, जो है किसी भी पाइप की वो उसके क्रोस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ठीक है ना तो ये जो एफिशिएंसी है इसके पाई आर स्क्वायर हो गया ना इसके एरिया तो इसके इसके आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है ना और आर स्क्वायर है तो वो डी स्क्वायर बोल दे की बात है डायमीटर में उसका डबल ही करते हैं वो जो टू आता है वो कॉन्स्टेंट है तो हम यहां से देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि यदि पाइप ठीक है ना इसका रेडियस वन है तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी एफिशिएंसी वन होगी लेकिन हमने इसको डबल रेडियस को डबल कर दिया तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके स्क्वायर में होगी ठीक है ना चार हो जाएगी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार तो यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं उसने ठीक है एफिशिएंसी पे आगे चल के अपन देखेंगे एफिशिएंसी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा मैं दो तीन उसका बेस यहाँ पे क्लियर कर लो। क्या हुआ कि जब आप जो रेडियस है या डायमीटर है उसको डबल करते हो तो उसके स्क्वायर में एफिशिएंसी बढ़ती है ठीक है ना यदि रेडियस वन है तो एफिशिएंसी वन है रेडियस टू है तो एफिशिएंसी फोर हो जाएगी क्लियर है अब ये देखो इसका व्यास दुगुना कर दिया तो इसकी एफिशियंसी कितनी होगी चार गुना होगी फोर टाइम्स होगी इसकी एफिशियंसी एक थी तो इसकी चार होगी यदि चार होगी तो टाइम वन बाई फोर हो जाएगा ठीक है ना तो इसका वन बाई फोर टाइम दस मिनट दूसरा हम यदि डबल व्यास का लेंगे तो वो चार गुना टाइम कम लेगा वन बाई फोर में कर देगा दस मिनट डन चलो ये कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं ये एडवांस है कोई नहीं कमलेश चौहान तुम तो अभी उधर फोकस करो वो है ना कुछ ऐसे अब मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा ठीक है ना वो इनको पढ़ना होता ही नहीं सही में वो ना भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं यहाँ पे आओ यहाँ फोकस करो ए टू जेड घंटे में छह बटे साथ काम पूरा करता है बी डबल दुगुना तेजी से काम करता है तो शेष काम पूरा कर देता है ठीक है ना बी ने कितने घंटे काम किया कितने टाइम काम किया चलो यहाँ पे आंसर करो और बहुत आसान है चीजें ठीक है ना बहुत आसान है और ये आसान कब लगेंगी जब आपको वो कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे आदित्य रंजन आदित्य रंजन को यार मैं पर्सनली तो देखो मिला नहीं ठीक है ना ना मैं आदित्य रंजन के बारे में कोई ज्यादा जानता ठीक है ना उसका किसी बच्चे ने एक वीडियो जरूर भेजा था जिसमें वो फन व्हील और इस टाइप के थमने लगा के वो पोल खोल रखे थे उसने लेकिन एक बात की दांत देनी पड़ेगी मुखर्जी नगर में रह के यदि कोई फन व्हील के बारे में कुछ बोल सकता है तो उसमें जिगरा होगा ठीक है ना उसमें जिगर होगा यार ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं होती हर किसी में ठीक है और कितने कोचिंग वाले आगे कोई बोल ही नहीं पाया ठीक है सबको चुप करा दिया जाता है तो यदि आदित्य रंजन मुखर्जी नगर में रह के ये सब बातें बोल सकता है तो उसमें जिगरा है ये मानना पड़ेगा ठीक है ना बाकी कभी दिल्ली जाऊंगा तो मैं मिलूंगा भी चलो और कई बार क्या होता है कि आप ये समझ लेते हो कि सर आपकी और पता नहीं गगन प्रताप की तो क्या दुश्मनी है नहीं ऐसी बात नहीं है हो सकता है कि जब हम पर्सनली मिले ना तो गगन बहुत अच्छा इंसान हो ठीक है ना पर्सनल लेवल पे जाएं और यदि गगन मुझे मिले तो मैं भी उसको रेस्पेक्ट ही दूंगा बात सिद्धांतों की है ठीक है ना लड़ाई उस सिद्धांत की सच्चाई की है कि आधा अधूरा मिस गाइड करने वाला वीडियो क्यों बनाया समझ लो ना मेरा मैं कभी गगन से मिला ही नहीं यार समझ लो ना मैं कभी नहीं मिला और ना उसने मेरा कुछ बुरा किया ये भी बताऊं ठीक है लेकिन जो सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो चीजें सही होनी चाहिए थी जो बच्चों को प्रॉपर गाइड्स और सही चीजें बताई जानी चाहिए थी वो नहीं बता के मिस गाइड करके यदि कोई अपना प्रमोशन करवा रहा है तो वो गलत है ठीक है ना तो मेरी लड़ाई केवल वहां तक है ठीक है ना <laughs> इसलिए मत वो रखो कि यार हम कोई जानी दुश्मन हो गए यार ये ऐसा नहीं है मैं लाइफ में मेरा कोई दुश्मन नहीं है मैंने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं माना और ना मैं कभी मानूंगा ठीक है दुनिया माने तो वो उसकी मर्जी यहां आ जाओ देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपको ना ये प्रॉब्लम लगा होगा ठीक है आ जाओ क्यों लगा होगा ये देखना ठीक है सर यू आर मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स ये अच्छा था ठीक है ना बहुत लंबा टाइम हो गया सिक्सटीन ईयर्स सोलह साल दिए मैंने मैथ्स को और पढ़ाते हुए ठीक है ना सोलह साल पहले मैंने कैट लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दिया था जब ये जो दूसरे आज ये टीचर बने हैं ना ये घूम रहे होंगे खेलते होंगे गांव में समझ लो छोटे बच्चे पांचवी सातवीं क्लास में पढ़ते होंगे तो मुझे अब बस वो क्या अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आ जाओ एक बार ये बोलता है कि देखो ध्यान से टू जेड आर्स में छः बटे काम करता है ठीक है तो आपको ये पहले ये देख लें कि अपन बी की बात ही नहीं करें ए की बात कर लें ठीक है इसको भी बनाता हूं एक बार समझना कि ये सात पार्ट हैं तो इसने पार्ट भरने छू जेड टाइम लग गया ठीक है छह पार्ट भरने में टू जेड टाइम लग गया तो ये एक पार्ट भरने में इसको कितना टाइम लगेगा आर्य रेसो लगा दो ठीक है ना पार्ट भरने छू जेड लगा तो एक पार्ट भरने में कितना टाइम लगेगा देखो ध्यान से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक पार्ट भरने में जेड बाई थ्री टाइम लगेगा ठीक है ना जेड बाई थ्री लेकिन बी तो डबल एफिशिएंट है डबल एफिशिएंट है तो वो टाइम आधा ही लेगा इसका आधा लेगा वन तो, तो हटा और ये तो मैं बनाना ये ना बता बताना चाह रहा हूं कि ऐसे आपको इमेजिन करना है और आपका माइंड इतना जीनियस है कि वो ये सारी चीजें इमेजिन कर लेगा कुछ भी तो नहीं था यार लेकिन लैंग्वेज बदली ठीक है ना इतने में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ गई कितना आसान था छह काम टू जेड में करता है तो बचा हुआ एक काम जेड बाई थ्री में करेगा रेशो लेकिन बी डबल है तो टाइम हो इसका भी याद आ लेगा जेड बाई सिक्स चलो बोलो समझ में आ गया बी एस सी फर्स्ट करते रहो ना यार बोलो ठीक है? टीएसडी में भी एक काम आता है फंडा आर्यन डिसो तो बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट है चलो ये देखो कुर्सी में ए टू जेड समझ चलो कोई बात नहीं पाइप ए और बी मिलकर किसी काम को छह दिन में पूरा कर सकते हैं पाइप ए अपनी गति से दो बटे तीन काम करे और पाइप बी अपनी स्पीड से तीन बटे दो काम करे तब इनका कार्य समाप्त करने में छह दिन का समय लगता है तो पाइप ए कितने दिन में काम पूरा कर लेगा बताओ ठीक है मोहन शर्मा बिहार आऊंगा यार मैं पूरा इंडिया घूमूंगा पूरे इंडिया के बच्चों से मिलना जो मैं वैदिक मैथ्स का रिवोल्यूशन चाह रहा हूं तो वो सब बच्चों से मिलके स्टार्ट होगा एक बार यहां थोड़ा यह स्टार्ट कर लेते हैं फिर आऊंगा ठीक है पाइप ए और बी मिलकर किसी काम को छह दिन में पूरा करते हैं पाइप ए अपनी गति से दो बटे तीन काम करे और पाइप बी तीन बटे दो काम करे तब इनका काम समाप्त होने में छह दिन का समय लगता है इसका मतलब पहले भी छह दिन था अब भी छह दिन है तो जो एफिशिएंसी है वो तो बराबर बनी रही ठीक है ना एफिशिएंसी बराबर बनी रही <coughs> तो पाइप ए अकेले कितने दिन में काम पूरा कर लेगा ये वैल्यू भी शायद आपको याद आ जाए किसी का है क्या ये मैन आ जाओ चलो मैं करवाता हूं देखो ये बोला कि ये एक टैंक है पाइप ए और बी इनकी एफिशिएंसी मान लिया हमने x और इसकी मान लिया y यदि ये, ये दोनों अपने नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करते तो इनको छह घंटे लगते छह दिन या छह घंटे की बात उससे लेकिन ये बोला कि जब ये अपना दो बटे तीन एफिशियंसी से करे और ये तीन बटे दो से करे तो भी इनको छह घंटे लगे छह दिन ही लगे इसका मतलब एफिशियंसी बराबर ही ना यदि टाइम बराबर रहा दो केस में तो एफिशियंसी भी बराबर ही ठीक है तो यहां से देख लो ये टू बाई थ्री हो गया और ये थ्री बाई टू हो गया ठीक है ये यदि आपको वो ट्रिपलेट्स याद हैं टाइम एंड वर्क वाले तो, तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते थे जिनको नहीं याद है बहुत से बच्चे हैं जो नए पढ़ रहे उनके लिए मैं ये बना रहा हूं ठीक है तो ये एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स और ये y वहां चला जाएगा थ्री बाई टू वाई माइनस वाई ठीक है ना तो ये इधर कितना बच गया वन बाई थ्री एक्स बराबर वन बाई टू वाई यहां से x बाई वाई एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा थ्री बाई टू ठीक है ना इसका मतलब x की एफिशिएंसी जो है, उसकी तीन है, की दो है दोनों की एफिशिएंसी पांच है और छह दिन में करते हैं तो टोटल तीस वर्क है ए कितने दिन में कर देगा दस दिन में ठीक है दस दिन में क्लियर है? ये वही है दस पंद्रह और 6 वाला आज भी हमने इसको देखा है ठीक है जब ये दो का और तीन का रेश्यो होता है तो ये जो कम टाइम लेता है, उसका सिक्सटी परसेंट में दोनों काम कर देते हैं तो इसका सिक्सटी परसेंट सिक्स डन चलो बीस तीस बारह का हाफ है सौरभ कुमार वाह यार वाह बीस तीस बीस तीस बारह तो अभी भी करवाया था मैंने ठीक है ना उसका हाफ है ये दस पंद्रह और गुड जब आप ऐसे रिलेट करने लग जाते हो ना तब आप ये मानो कि आप बहुत आगे आ चुके हो आप बहुत आगे आ चुके हो बोलो पानी का एक नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है नीचे लगा सिंह क्यों घंटे में खाली कर सकता है और क्यू ज्यादा है ठीक है ना क्यू ज्यादा है यानी जो क्यू टाइम लग रहा है खाली करने वाला वो ज्यादा टाइम लेता है तो आठ घंटे में भरेगा तो ये रिलेशन बताओ ठीक है तो यहाँ पे देखो ये P बाई वन बाई पी भरता है ये वन बाई क्यू खाली कर देता है और और और, और वन बाई आर में भर देंगे ठीक है ये रिलेशन याद रखना और ये मैथ्स में ये रिलेशन कई जगह काम आएगा ठीक है ना जब हम अभी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो ज्योमेट्री में भी ये रिलेशन आएगा, आएगा आपको ठीक है ये तो आसान था ना जब चाहे इसको आप एल्शियम लेके कर लो बट ये डायरेक्ट देख सकते हो उसको अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत है अपने पास ठीक है ना चलो हाँ एक्स वाई अपोन वाई माइनस एक्स ठीक है मोहित बोरा बीएससी में बीएससी में हो तो सही अच्छी बात है ना यार तुम अभी से यदि मेरे साथ रेगुलर बने रहो ठीक है जो पहली क्लास है जब वो देखते रहो इंग्लिश का देखते रहो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और यदि तुम कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो ठीक है जहां जिसका समझ में आए उसका कर लो भले लेकिन अभी जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कर लो ठीक है चलो दो पाइप किसी टंकी को छह मिनट सात मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइपों को एकांतर क्रम में एक मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगी ठीक है आओ ये छह में भर सकता है सात में टोटल फोर्टी टू हो गया इसकी एफिसियंसी सात इसकी छह तो ये सात आया फिर आया यानी दो मिनट ये एक मिनट के लिए ये खुला ठीक ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं ये सात में करा इसने छह में किया तो दो मिनट होगी फिर सात और छह किया ये चार मिनट होगी फिर सात और छ किया ये छह मिनट होगी कितना टाइम हो गया देखो थर्टीन छब्बीस थर्टी नाइन लीटर भर दिए

ठीक है इसमें एक ये जो पहला ऑप्शन है ना इसको एरर है ये सिक्स आरस है ठीक है ना ये करेक्शन है ये कर लो सर फर्स्ट वाले की बारी आए तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं डायरेक्ट हां हाँ, डिनोमिनेट में सेवन आएगा हाँ बिल्कुल सही बात है मोहित अभी ये करो एक टैंक में दो नल है पहला 45 मिनट में भर सकता है दूसरा भरे हुए टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है दोनों को एक मिनट के एकांतर क्रम में खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरा भर देगा ठीक है अगेन रुपिंदर गुप्ता का सबसे पहला आंसर आ गया, गुड ठीक है बाकी सब लोग भी चेक करो फटाफट फटाफट आंसर आने दो सारे टॉपिक तो यार इसमें इस जब मैं पूरा आपको टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम वेजेज पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं तो ये 20 दिन में एक महीने में तो नहीं होगा ना मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि जब आपका मेंस आएगा सी एच एस आएगा तब तक मैं ये कोर्स पूरा कर दूं और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कोर्स पूरा करूंगा ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अच्छा कॉन्सेप्ट है ठीक है ये बोलता है कि पहला नल 45 मिनट में भरता है दूसरा नल 60 में खाली कर देता है ठीक है ना तो दोनों कैल्शियम आ जाएगा 180, एट्टी इसकी एफिशियंसी फोर इसकी एफिशिएंसी माइनस थ्री और ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 180. एट्टी वन एटी मिनट आ जाएगा ना क्यों और लेकिन एकांतर क्रम में खोला है यदि मान लो दोनों साथ काम करते तो तो 180 मिनट में भर देते लेकिन पहले इसको खोला मान लो ठीक है ना फिर इसको खोला तो इसने चार भरा इसने तीन खाली कर दिया तो दो मिनट में ठीक है ना दो मिनट में एक लीटर पानी भरा गया तो 180 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा तीन मिनट छह घंटे ठीक है तीन सौ साठ मिनट छ घंटे ठीक है अब बहुत से बच्चे इस आर्गुमेंट के साथ इस आंसर को सोल्व कर रहे हैं लेकिन ये गलत है ठीक है ना छह घंटे नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी समझ लो ये समझ में आ गया? कि ये देखो ध्यान से ठीक है ना ये चार भरता है और ये तीन खाली करता है तो क्या हुआ दो मिनट हो गए पहले मिनट में ए चला फिर दूसरे मिनट में बी चला तो दो मिनट में दो मिनट में एक लीटर पानी भरा गया इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है तो आप ये बताओ सौ सौ मिनट में कितना भरा जाएगा पचास लीटर ठीक है, 100 मिनट में 50 लीटर भरा जाएगा जितना पानी है जितना लीटर भर रहे, है, उसका रहे हैं उसका डबल टाइम लग रहा है डन है तो मान लो मैं वन कि सिक्स लीटर कितनी, कितनी देर में भरा जाएगा तो इसका डबल कर दो 352 मिनट में ठीक है ना 352 मिनट में ठीक है 352 मिनट में भरा गया अब क्या होगा ये पहले ए था फिर बी इस मतलब लास्ट वाले में ए आर है। फिर ए आएगा ठीक है ना और ए क्या करेगा लीटर भर देगा ठीक है तो एक वन और चार वन एटी भर गई ये टैंक भर गया ठीक है ना अब क्या करेंगे अब बी को चलाएंगे क्या नहीं बी को क्यों चलाएंगे यार टैंक भर गया एक सौ अस्सी लीटर हो गया अब हम बंद कर देंगे तो इस बार क्या हुआ? एक ही मिनट और लगा लास्ट में थ्री फिफ्टी टू प्लस वन यानि थ्री मिनट हो गया पांच घंटे तिरपन मिनट ठीक है ना तो ये छह हार सिक्स हार था ना ये ठीक है ये क्या था ये रेड हेरिंग था ठीक है बोलो अब एक चीज और जैसे कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हमें क्या पता चलेगा कि पहले इनलेट काम कर रहे हैं ठीक ये ये बताओ ये कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि पहले पानी भरने वाला काम कर रहा है देखो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि देखो इसने क्या बोला कि एक टैंक में दो नल हैं पहला नल 45 मिनट में भर सकता है दूसरा भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है यदि दोनों को एक मिनट के एकांतर क्रम में खोला जाए तो ये अंडरस्टूड माना जाता है ठीक है ना ये इस लैंग्वेज में अंडरस्टूड है कि पहले ये ए भरने वाला चलेगा और फिर बी खाली होने वाला चलेगा यदि ऐसा नहीं होता तो ये मेंशन करता ये बोल के जाता क्या बोलता कि पहले खाली करने वाला चलता है और फिर भरने वाला चलता है ठीक है चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भैया पानी नहीं होगा तो खाली क्या करेगा एक मिनट खराब करेगा <laughs> एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी होज को पानी से भरते हैं लड़का प्रत्येक तीन मिनट में चार लीटर पानी करता है प्रति लड़की प्रत्येक चार मिनट में तीन लीटर पानी भरती है तो सौ लीटर कितनी देर में भरा जाएगा आशीष यादव सर प्री से पहले मेंस के क्वेश्चन देखो आशीष जो लेवल है ना वो प्री मेंस का कुछ डिफाइन नहीं है सीजीएल में अपन मानते हैं कि मेंस है तो थोड़ा अच्छा आएगा लेकिन हर बार ये नहीं होता कई बार प्री के कुछ पेपर्स इतने अच्छे बनते हैं रोमेन्स में नहीं होते इवन सीएचएसएल के कुछ पेपर्स सीजीएल से अच्छे होते हैं इससे भी आगे बढ़ के एमटीएस के कुछ से क्वेश्चन से सीजीएल के मेंस से भी अच्छे होते हैं ठीक है ना मैंने अभी पिछले तीन चार साल में इन सब पेपर्स को बहुत अच्छे से रिसर्च किया है तो ये मत मानो हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सारे कांसेप्ट कवर कर लूं क्योंकि इस बार आपको है ना मेंस में जीके और रीजनिंग पे भी फोकस करना है ठीक है तो मेरे हिसाब से अभी आप मैथ्स और इंग्लिश तो पूरा कवर करते हुए चलो रीजनिंग और जीके में भले ही आप थोड़ा सा अभी प्री के हिसाब से कम रख लो क्योंकि कट पार करना है ठीक है लेकिन वहां भी इतना होना चाहिए कि आप उस एक फाउंडेशन जरूर होनी चाहिए आपकी जीके और रीजनिंग में भी इस बार ठीक है ना यदि आपकी फाउंडेशन नहीं है इन दोनों में तो फिर आप मेंस में नहीं कर पाओगे ठीक है चलो लड़का क्या करता है तीन मिनट में चार लीटर भरता है तो बारह मिनट में कितना कर देगा ये सोलह लीटर और लड़की क्या करिए चार मिनट में तीन लीटर भरा तो बारह मिनट में कितना कर दिया बारह लीटर तो दोनों जब साथ काम कर रहे हैं तो दोनों ने बारह मिनट में कितना काम कर दिया टोटल बारह मिनट में इसने सोलह लीटर भर दिया इसने बारह लीटर भर दिया ठीक है ना तो बारह नहीं नो आएगा ना यार चार में तीन है दोनों तो ही आएगा ना नौ लीटर तो बारह मिनट में दोनों ने कितना भर दिया पच्चीस लीटर तो सौ के लिए फोर्टी एट चलो जो प्रीवियस ईयर है वो सारा कवर करके जाऊंगा मैं आप मेरी सारी क्लास कर लो उसके बाद प्रीवियस ईयर नहीं रुकेगा क्योंकि जो जितने भी वैरायटी हैं और पिछले 20 साल के जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना जिनमें हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूं एक आउटलेट पाइप किसी भरे हुए टैंक को दस घंटे में खाली करता है ठीक है यदि इनलेट को भी खुला रखा जाए जो आठ लीटर प्रति मिनट के दर से पानी भरता है तो आउटलेट छह घंटे ज्यादा लेता है टैंक की कैपेसिटी बताओ ये देखो तो केस है ये कैपेसिटी वाला है है ना तो जितनी वैरायटी है सारी हम करेंगे ठीक है ये आसान था यार एक बार दोबारा देख लेना कि वो लड़का चार, चार लीटर भरता है लड़का ठीक है ना मान लो लड़का और लड़की दोनों साथ काम करने शुरू कर दिया ठीक है ना तो उसने तीन मिनट में चार लीटर भरा तो बारह मिनट में उसने सोलह लीटर भर दिया उधर लड़की भी वो पानी भर रही है मान लो दोनों ही बाल्टी डाल रहे हैं ठीक है ना बाल्टी भर भर के पानी भर रहे हैं। तो उसने भ मिनट में तीन किया तो चार आठ बारह यानी नौ लीटर भर दिया तो बारह मिनट हुई ना दोनों साथ काम कर रहे थे पच्चीस लीटर आ गया बस सो के लिए गुना एक आउटलेट पाइप किसी टैंक को दस घंटे में खाली कर सकता है इनलेट को भी खुला कर दिया ठीक है ना ये इनलेट है इसको भी खोल दिया तो और ये आठ लीटर प्रति मिनट के दर से पानी भरता है ये जो वैल्यू है ठीक है ना ये इस वैल्यू को हम सबसे लास्ट में काम में लेंगे ठीक है ना सबसे लास्ट में याद रखना अदरवाइज फंस जाओगे यहां पे, ठीक है फिर आगे चलते हैं तो आउटलेट पाइप को छह घंटे ज्यादा लगे तो आउटलेट पाइप को कितना लगा सोलह घंटे लग गए, पहले आउटलेट पाइप आउटलेट खाली करने वाला खाली करने वाला पाइप दस घंटे में खाली कर देता था लेकिन इनलेट भी यानी उसमें कुछ पानी और हमने भरना शुरू कर दिया तो खाली करने वाले को छह घंटे ज्यादा लग गए तो अब उसने सोलह घंटे में खाली किया ठीक है अब बताओ बताओ तो अब इनका एल्शियम ले लें एट्टी आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी पहले थी माइनस एट अब इसकी एफिशिएंसी होगी माइनस फाइव इसका मतलब ये हुआ कि जो भरने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी है थ्री है ना अब देखो मैं केवल एफिशिएंसी वर्ड काम में ले रहा हूं जबकि अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तब लीटर पर मिनट पर सेकंड ऐसे बातें कर रहे थे तो धीरे धीरे ना शुरू में टाइम लगता है फिर आपका माइंड ये सारी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर देगा तो इसको कितना टाइम लगेगा एट्टी बाई थ्री आर्स यानी एट्टी बाई थ्री आर्स में एट्टी बाई थ्री आर्स में पूरा भर देगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हम ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने कर चुके हैं ठीक है अब ये बोला कि नहीं ये जो पाइप है भरने वाला ये तो आठ लीटर भर देता है एक मिनट में ठीक है ना एक मिनट में वो आठ लीटर भर देता है तो एक घंटे में कितना भर जाएगा एक मिनट में आठ तो यानी सिक्सटी मिनट में कितना हो जाएगा चार अस्सी लीटर भर देगा ये एक घंटे में लेकिन इसको पूरा अस्सी बटे तीन घंटे लग गए ठीक है ना तो अस्सी बटे तीन गुणा चार अस्सी लीटर एक घंटे में ठीक है तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो बारह सौ अस्सी आएगा एक बार चेक करो फटाफट चेक करके बताओ दिल्ली पुलिस मिनिस्ट में भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट चलते हैं आशीष ये मैंने देखा नहीं यार अभी की बात कर रहे हो यदि इसमें अच्छे थे तो मैं ये पूरे पेपर ही सोल्व करवा दूंगा ठीक है एक बार फटाफट चेक करो भाई ये इतने आ रहे क्या बारह आठ बारह हजार आठ सौ आएगा ना ठीक है बारह हजार आठ सौ आएगा यार देखो ये सोलह हो गया सोलह आठ एक सौ अट्ठाइस ठीक है लेकिन दो जीरो हैं यानी इसमें एक जीरो मिसिंग थी बारह आठ सौ आएगा ना यही तो मैं जानना चाह रहा था ठीक है ना गुड नंदिनी चौहान सौरभ ठीक है हर्ष राजा ठीक है ना ये ये पॉइंट बोल रहा था इसको ध्यान रखना यार चलो अब ये सब बच्चे है ना बहुत फास्ट सोल्व करेंगे फटाफट बताओ <coughs> एक टैंक में एक लीक है जो इसे आठ घंटे में खाली करता है एक नल जो छह लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है उसे जोड़ा जाए तो अब बारह घंटे में खाली हो जाता है तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है ये आठ घंटे में खाली करता है ठीक है और एक और जोड़ दिया जाए इसको अपन छह लीटर पर मिनट इसको बाद में कंसिडर करेंगे ठीक है और अब इसके साथ जोड़ दिया तो ये बारह घंटे में खाली हुआ ठीक है एलसीएम कितना जाएगा इनका 24. तो इसकी एफिशिएंसी माइनस टू इसकी एफिशिएंसी माइनस थ्री इसका मतलब ये वन तो ये 24 फोर हो गए ये 24 घंटे में भर देगा और एक मिनट में छः लीटर भरा ठीक है।, है ना तो लीटर एक मिनट में तो 60 मिनट में कितना होगा इसको सिंप्लीफाई कर लो थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर बोलो रुपेंद्र गुप्ता डिजिट सम नाइन आएगा सर डिजिट सम नाइन देख लो ठीक है दस और एक ये बच रहा है डिजिट सम नाइन ठीक है गुड यहाँ डिजिट सम अप्लाई हो रहा है अभी डिजिट सम लगा देना बाकी वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बट जब डिजिट सम दिख ही रहा है कि चार ऑप्शन दूर दूर हैं, ठीक है थेके? हाँ छह गुणा छह का डिजिट सम नाइन हो गया ना तो नाइन को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो नाइन रहेगा बहुत ही अच्छा करो एक जलाशय है रिजर्वेयर है इसको चार पाइप हैं पंद्रह बीस तीस और चालीस में भर सकते हैं ठीक है अब ये वो टाइप आ गया जहाँ हम अलग अलग टाइप पे पाइप को ओपन करते हैं ठीक है ना? तो पंद्रह बीस तीस और चालीस घंटे में भर सकते हैं तो इनकी सबसे पहले तो एफिशिएंसी ले लो एक सौ बीस पंद्रह आठ छ चार और ये तीन ये सबके एफिशियंसी आ गई अब पहले को हमने छह बजे दूसरे को सात बजे तीसरे को आठ बजे और फिर चौथे को नौ बजे यानी नौ बजे तक है, ठीक है ना नौ बजे तक सब पाइप नौ बजा जैसे ही तो चारों के चारों ओपन हो गए ठीक है इसका मतलब है पहला पाइप कितनी देर चला पहला पाइप छह से छह स्टार्ट किया फिर सात आठ नौ तीन घंटे चला तीन घंटे में इसने कितना भर दिया आठ गुणा तीन चौबीस लीटर ये दो घंटे चला छह गुणा दो बारह और ये एक घंटे चला तो ये चार ठीक है ना यानी फोर्टी लीटर पानी भरा जा चुका है एट्टी और बचाए ठीक है थीके? तो वो एट्टी भरने के लिए अब ये चारों साथ काम करेंगे नौ बच चुके हैं चारों काम करें साथ। कितने हो जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी वन तो ये सिक्सटी थ्री यानी तीन हो जाएगा ना और सेवेंटीन बाई ट्वेंटी इतना टाइम और लगेगा यानी तीन घंटे और लगेंगे तो नौ के बाद ही बारह बज जाएंगे तो बारह के बाद कोई टाइम आएगा ये रहा यही ये ऑप्शन है यदि ऑप्शन क्लोज हो तो थोड़ा सा उसको और क्लियर कर लेंगे क्लियर है एक से थोड़ा सा कम होगा बिल्कुल ठीक है ये आपको करना है दो पाइप हैं बारह पंद्रह और बारह घंटे में भर सकते हैं तीसरा पाइप है वो चार घंटे में खाली कर सकता है ठीक है ना इस बार ये खाली करने वाला पाइप है तो यदि पाइप को आठ बजे नौ बजे और ग्यारह बजे ओपन होता है तो टैंक के कितने बजे खाली हो जाएगा ठीक है ये बताओ। नंदिनी अभी इसमें समझ में आ जाएगा एक बार ये करवा देता हूं ठीक है अंकित शुक्ला सर आई क्लियर आईबीपीएस अच्छा पी कौन डिफिकल्ट लग रहा है बट आपकी वजह से ही क्लियर हुआ है गुड अंकित और जब है ना देखो कई बार ये लगता है कि यार चीजें टफ हैं लेकिन आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे जाओगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी कॉन्सेप्ट के लेवल पे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में लेकिन हर कोई क्या चाहता है बहुत जल्दी रिजल्ट ठीक है ना और ध्यान रखना जो जितना जल्दी रिजल्ट चाहता है ना उसको उतना ही लंबा टाइम लगता है ठीक है आ जाओ देखो ये पंद्रह घंटे में करता है ये बारह में और ये चार घंटे में खाली कर देता है खाली वाले पे हमेशा आना ना कोशिश रखना माइनस आई अदरवाइज क्या होगा कि एग्जाम के प्रेशर में ना ये चीज मिस हो जाती है फिर उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम चार पांच और माइनस फिर ये बोला कि पहला पाइप आठ बजे ओपन कर दिया ग्यारह बजे तीनों को ओपन किया है दूसरे को नौ बजे और तीसरे को ग्यारह बजे ठीक है तो पहला पाइप कितनी देर रहा तीन तीन घंटे चला ना आठ नौ दस ठीक है ना आठ से नौ फिर नौ से दस और दस से ग्यारह तीन घंटे चला तो ये चार अब मैं इनको बार बार वो चीज बोलने में मजा नहीं यार चार लीटर एक घंटे का वो सब मैं समझा चुका हूं वो इतना टाइम इसीलिए लिया था ठीक है तो ये चार भरता है तीन घंटे चला तो बारह लीटर भर दिया दूसरा कितने देर चला दो घंटे चला तो इसने दस लीटर भर दिया पांच भरता ना देखो ठीक है तो इसने दस लीटर भर दिया अब भी बाईस लीटर भरा जा चुका है पाइप टंकी जो टैंक है वो बाईस लीटर भरा जा चुका है क्लियर है ना टैंक है वो बाईस लीटर भर दिया अब तीनों चल रहे हैं तो इसने चार भरा उसने पांच भरा और इसने खाली कर दिया ठीक है तो अब क्या होगा अब क्या होगा अब वो नौ तो भरा पंद्रह खाली कर दिया तो एक्चुअल में माइनस का छे गए ना ठीक है तो खाली होना शुरू हो जाएगा एक घंटे में छह लीटर खाली हो गए तो छह बाईस बटे छ आ जाएगा अब इसको सोल्व कर लो कितना हो जाएगा ये तीन चार बटे छह या तीन और दो बटे तीन या चालीस मिनट तीन घंटे और चालीस मिनट और लगेंगे ग्यारह बजने के बाद ग्यारह बजने के बाद तो बारह बज गए एक बज गया दो बज के चालीस मिनट ठीक है यह आसान है ठीक है ना करो ये सेम उसी आर्गुमेंट पे है अब इनको हम बहुत फास्ट कर सकते हैं एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपको अच्छे हैं जो करवाने हैं ठीक है अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फटाफट कर दो आगे समझ में गुड पीयूष कुमार हाँ पीयूष मैं मंडे ट्यूसडे में पीडीएफ करवा दूंगा और अपनी जब नेक्स्ट क्लास हो तो मुझे याद भी दिला देना यार ठीक है ना इन क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे आ जाएगी जो बाइडेन यहां क्या कर रहा है यार? <laughs> की अगर प्रॉपर तैयारी करनी हो तो कम से कम कितना टाइम चाहिए कम से कम एक साल का टाइम चाहिए ठीक है ना यदि आपका पीछे का बैकग्राउंड नहीं है मैथमेटिक्स का या बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से या आपका स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है ठीक है ना कुछ कंडीशन है मान लो आप एक साधारण स्कूल में पढ़े हो साधारण आपका बैकग्राउंड है ठीक है ना तो आपको एक साल चाहिए एक साल क्योंकि मैं तो यहाँ दस साल से हजारों बच्चों को इंस्पेक्टर बनाया यार मैं तो जानता हूं ना अब कोई बोले कि एक महीने में मैं ये करा दूंगा एक महीने में मैं सिलेबस करवा के तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा ठीक है तो वो देखो गलत बोल रहा है हाँ एक महीने में दो महीने में तीन महीने में ये हो सकता है कि यदि आपका रीजनिंग अच्छा हो जो बचपन से है आपका थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग वो इंग्लिश अच्छा हो तो इस साल ये चांस है कि आप प्री निकाल दो ठीक है ना उसके बाद तीन चार महीने और आ जाएंगे तो एक रेस में बने रहने वाली बात है लेकिन जिस बच्चे का बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है ना वो इंग्लिश मीडियम का है गांव का बच्चा है तो उसके लिए पॉसिबल थोड़ी है यार आप सोच के देखो ठीक है ना हाँ यदि कोई बच्चा एक साल का टाइम लेता है तो मैं यहां पे यह बोल सकता हूं कि चाहे वो कहां से भी कहीं से भी आए भारत के किसी भी कोने से उसकी कैसी स्कूलिंग हो कैसे उसका बैकग्राउंड रहो ठीक है ना कैसे उसका परिवार रहो वो एक साल में ना कुछ भी कर सकता है ए आई आर ला सकता है एक साल में ठीक है चलो जो बाइडेन तुमने कोम्बो बेस भी ले रखा है मेरा यार जो बाइडेन भी यहां पर है अब तो उड़ा दो यार इसको इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था पिंकेश यादव वन पॉइंट एट ठीक है पिंकेश का आंसर आ गया अभी और मुझे विश्वास है कि पिंकेश का आंसर सही आया होगा बाकी सब बच्चे भी एक बार कन्फर्म कर दो इंग्लिश इंग्लिश सीख लोगे यार पेशेंस रखो ठीक है ना यदि तुम मैम का बुक्स वगैरह पढ़ लोगे और सारे जो कॉन्सेप्ट करवाए वो कर लोगे ना मनीषा मैम का तो आप इंग्लिश सीख जाओगे एक साल का टाइम ले रहा हूं ना मैं आ रहा है सबका चलो ये कर लेना अभी ये मैं करवा चुका हूं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ठीक है ये आपका होमवर्क है इसको भी होमवर्क ले लो एक दो अच्छे क्वेश्चन हैं वो करवाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद इसका ना कमेंट कर देना मैं चेक करूंगा कल सुबह उठ के ये।, ये आगे ना वो प्रोपोर्शनल वाला ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है इस पे अपन टाइम देते हैं ये बोला कि तीन पाइप हैं तालाब कितने समय में भर जाएगा तीन पाइप उनसे हमें कोई तालाब भरना वो कितने देर में भर जाएगा जिनके व्यास डायमीटर एक सेंटीमीटर एक से एक उठे तीन सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर है ठीक है जब सबसे बड़ा पाइप अकेला से 61 मिनट में भर सकता है तो तीनों मिलकर कितने देर में भर देंगे ये इसने मेंशन किया देखो देखो द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 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 बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर ये इसने मेंशन कर दिया अदरवाइज ये मेंशन नहीं करता तब भी हम यही मान के चलते ठीक है 6 महीने वैलिडिटी कर रखी है ठीक है तुम उस पे अपना डबल थ्री वाले नंबर पे एक एप्लीकेशन भेज देना ठीक है चलो देखो ध्यान से ये बोला कि इसका व्यास एक सेंटीमीटर है और इसका फोर बाई थ्री सेंटीमीटर है लेकिन ये तो व्यास है ना पहले पहले समझते हैं पाइप ए का जो डायमीटर है वो वन है बी का फोर बाई थ्री है और जो सी है इसका टू सेंटीमीटर है ठीक है इसका टू सेंटीमीटर अब ये बोला कि जो इनको और सिंप्लीफाई कर देते तीन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये थ्री ये फोर और ये सिक्स ठीक है ना ये रेशो आ जाएगा इनके डायमीटर्स का ये डायमीटर का रेश् है भाई ठीक है ना जो व्यास है उनका रेशो है लेकिन इसने बोला कि जो पानी का फ्लो है या जो एफिशिएंसी है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है ठीक है ना तो पहले की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पहले की एफिशिएंसी नाइन दूसरे की सिक्सटीन और तीसरे की थर्टी सिक्स ये एफिशिएंसी हो जाएगी क्लियर है अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है ए की एफिशिएंसी कितनी है नाइन बी की सिक्सटीन और इसकी थर्टी सिक्स फिर ये बोला कि जो सबसे बड़ा पाइप है अब बताओ सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा जिसका डायमीटर सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा पाइप सिक्सटी वन मिनट में भर सकता है ये है सबसे बड़ा पाइप ये अकेला चलता तो सिक्सटी में भर देता लेकिन ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे ठीक है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 36 इन्टू 61 लीटर तीनों मिलके काम कर रहे हैं अब ठीक है तो 9 16 25 25 और 36 से 61 हो गए यानी इनकी तीनों की मिलाके एफिशिएंसी 61 हो गई है तो 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 36 से मिनट ठीक है ना 36 मिनट आगे बोलो की पॉइंट क्लियर है थर्टी सिक्स मिनट आ जाएगा अभी वो जो दो क्वेश्चंस थे हमारे वो देखते हैं अब ये सारे वैरायटी हमने कर ली है ये पिछली क्लासेज हैं ये देख लेना ये वर्क वेजेज हो ही गया था ये भी मैं बता चुका हूँ ठीक है ये न्यून क्लासेज और न्यून बुक्स टेलीग्राम है इन पे पी आ जाएंगी ये जो इन कर लो और ऐप है इस पर ई e बुक्स वगैरह हैं और अभी जो क्लास नोट्स हैं उनकी भी पीडीएफ स्टार्ट कर दी हैं तो आप ये भी ज्वाइन कर लो डाउनलोड कर लो अब चलते हैं शुरू शुरू में जो दो क्वेश्चन बस गए थे ठीक है सबसे पहले तो ये अब इसको एक बार देख हैं समझते हैं ठीक है मैं हिंदी वाले पे बता देता हूँ देखो ये हुआ कि ये एक बाथ टब है और इसमें जो एक पाइप है ये तो इसको दस मिनट में भर देता है ठीक है दूसरा पाइप है इसको पंद्रह मिनट में भर देता है तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो अभी याद आ गया देखो दस और पंद्रह तो छह मिनट में भर देंगे ठीक है ना ये वैल्यूज याद हो जाएंगे यार आपको ये पंद्रह बीस आते हैं मुश्किल से जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की दस पंद्रह वैल्यू आती है ना बार बार वैसे यहां भी ये पंद्रह बीस वैल्यू है और इनको भी मैंने सीपीआर से समझा भी दिया है तो बहुत आसान है तो छह मिनट में भर जाता है ठीक है तो वो आदमी क्या करके गया उसने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि भाई छह मिनट में भर जाएगा ये बाद तब तो मैं मिनट बाद में लौट के आ ठीक है ना तो अब उसने क्या किया वो मिनट बाहर घूमने चला गया देन? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें एक ही जो आउटलेट वाला था वेस्ट पाइप ठीक है ना वो भी खुला था इसका मतलब वो पानी खाली करता जा रहा था ठीक है ना वो पानी खाली करता जा रहा था अब हुआ क्या जे वो तो जो जो पर्सन था वो तो छह मिनट बाद आया अब उसने आके देखा कि अरे यार ये पाइप तो खुला ही रह गया और इसकी वजह से टैंक पूरा भरा नहीं तो फिर उसने क्या इसको बंद किया ठीक है इस पाइप को उसने क्लोज किया इसको बंद कर दिया वेस्ट पाइप को अब फिर उसने देखा कि चार मिनट और लग गए ठीक है ना चार मिनट और लग गए इसको भरने में ठीक है ना चार मिनट और लगे लग उसको भरने में ठीक है इस बात को भरने में चार मिनट और लगे ठीक है अब इस पॉइंट को समझना तो हुआ क्या कि इन दोनों पाइप का चार मिनट तो और लगे ना? क्यों लगे क्योंकि इन दोनों की इन दोनों पाइप के चार मिनट का तो चार मिनट का तो जो काम किया हुआ था जो पानी भरा हुआ था वो इस वेस्ट पाइप ने खत्म कर दिया ठीक है ना इस वेस्ट पाइप ने खत्म कर दिया ना वो चार मिनट का काम और कितनी देर चला वेस्ट पे। ये वेस्ट पाइप ये छह मिनट चला था Για? क्यों क्योंकि जब वो शुरू में जब ऑन करके गया तब ओपन था और जब छह मिनट बाद आया तब भी ओपन रहा तो उन दोनों पाइप का चार मिनट का काम ये वेस्ट पाइप छह मिनट में खत्म कर देता है ये हुआ तो इन दोनों का छह मिनट दे का काम छह मिनट का काम मतलब पूरा टैंक भर गया छह मिनट में तो पूरे भरे हुए को जो कि छह मिनट का काम है इसको ये वेस्ट पाइप कितने देर में खाली कर देगा ठीक है ना चार का फिफ्टी परसेंट बढ़ाए छ तो छ का फिफ्टी परसेंट नौ मिनट बोलो कितना आसान था ईमानदारी से बताओ कितना आसान था दो मिनट खराब कर रहे बिल्कुल सही है मोहित ठीक है बोलो अब क्लियर है ना ठीक है छः में दोनों भरते चार में और लगे यानी दस मिनट लगे भरने में लेकिन एक पाइप दस में भर रहा था तो दूसरा पाइप पंद्रह मिनट वाले ने जो काम किया वो सारा निकाल गया पंद्रह मिनट में काम किया उसको निकालने में छः मिनट लगे यानी नौ में खाली कर देगा पंद्रह में ही खाली करेगा नहीं पंद्रह मिनट वाले ने जो भरा वो सारा निकल गया ठीक है न तो पंद्रह मिनट में पंद्रह में ही खाली करेगा तो छः का नौ में करेगा ठीक है मैं दोबारा देखता हूँ इस आर्गुमेंट को क्या एक बार देखो ठीक है ना सभी बच्चे सुनना छः मिनट में दोनों भरते हैं और चार मिनट और लगे यानी दस मिनट टाइम लग गया भरने में ठीक है ना दस मिनट का टाइम लग गया है भरने में बिल्कुल सही है तो दस मिनट में तो जो दस मिनट में तो ये अकेला ही भर देता इसका मतलब इस पंद्रह मिनट का ठीक है ना इस पंद्रह मिनट का जो काम था वो खत्म हो गया बिल्कुल सही तक ठीक है तो पंद्रह मिनट वाले ने जो भी भरा वो सारा निकाल दिया गया बिल्कुल सही बात है पंद्रह मिनट वाले ने जो भी भरा तो वो निकल गया तो पंद्रह मिनट वाले ने छ मिनट का पानी अच्छा पंद्रह ने जो खाली करेगा नहीं ये पूरा नहीं लिखा है तुमने चलो मैं समझा देता हूँ ठीक है ना इसी आर्ग्यूमेंट को भी देखो एक बार कि जो पंद्रह पंद्रह मिनट वाले ने जो काम किया ठीक है ना ये पूरा का पूरा काम खराब हो गया ठीक है कितनी देर में इस पंद्रह वाले ने जो भी काम किया ठीक है ना वो सारा का सारा खराब हो गया ठीक है लेकिन ये पंद्रह वाला चला कितनी देर पूरे दस मिनट चला है ना तो पंद्रह वाले का जो दस मिनट में जो इसने खराब किया ठीक है तो नहीं यार ऐसे तो सेट नहीं बैठ रहे क्योंकि पंद्रह का दस मिनट में टू थर्ड कर दिया ठीक है हाँ सही है पंद्रह का पंद्रह ने टू थर्ड भर दिया ना दस मिनट में तो ये टू थर्ड टू थर्ड जो काम है उसने छह मिनट में खाली कर दिया दो काम छह मिनट में खाली कर दिया तो तीन काम कितने में कर देगा नौ मिनट में खाली कर देगा बिल्कुल सही है लियो ये आया क्या समझ में लिमिट है यूट्यूब में ज्यादा वर्ड नहीं आ सकते ठीक है नहीं मैं समझ गया ना कोई बात नहीं आर्यन रेशो तो रिवोल्यूशन है यार यदि आप चीजों को पहचानना सीख गए ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है एक क्वेश्चन और बचा है अब जिनको जल्दी है वो चले जाएं और जिनको पेशेंस है तो वो एक लाइन का आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए वेट कर ठीक है सीपीआर लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन मैं टाइम एंड वर्क में सीपीआर की एप्लीकेशन थोड़ी कम बताई है ठीक है ऐप पे जो कोर्स है वहां तो मैंने खूब पढ़ा है यहां कम क्यों बताई है क्योंकि बच्चे क्या उस लेवल पे फेथ करते नहीं यार ठीक है तो वो सीपीआर वगैरह देख के और फिर भाग ही जाते हैं तो जिसको मेरे पे फेथ होगा सीपीआर और अच्छे से सीखना होगा अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी वो मेरे पास वहां कोर्स में आ जाता है ठीक है वहां मैं सारी चीजें डिटेल में बताता बच्चे चाहते हैं कि सर एलसीएम पे ज़्यादा फोकस करो मैं वो करवा देता हूँ नंदिनी चौहान सर अब हम भी अलग अलग तरीके से सोचने लगे हैं ठीक है चलो फाइनली लास्ट क्वेश्चन बचा है ठीक है ये अब आ गया ना ये देखो बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है लियो ने भी अब मैं इसको एल्शियम वगैरह पे तो क्या समझा उसकी जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर है मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं फाइनली तो को दस और पंद्रह में कर सकते थे वो छह मिनट में भर देते दोनों लेकिन उसने देखा कि चार मिनट और लग गया क्योंकि वेस्ट पाइप चालू था तो दोनों का इन दोनों पाइप का चार मिनट का, का काम एक्स्ट्रा हो गया यानी चार मिनट इन्होंने जो भी काम किया वो जीरो कर दिया उसने वेस्ट पाइप ने तो वेस्ट पाइप तो छह मिनट ही चलाना उनके साथ चार मिनट का काम जीरो करने में पूरा खराब करने में उसको छह मिनट लगे थे तो इनका छह मिनट का काम यानी पूरा पूरा का पूरा पाइप भरा हुआ खाली करने में उसको नौ मिनट लगेंगे चलो सेम भी ऐसा ही आर्ग्यूमेंट यहां पे है एक बार और देख लो ठीक है यदि ये, ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया इसका एक लाइन का आर्ग्यूमेंट है तो आप ये मान लेना कि आपको वो समझ आ रही है इन कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग आ रही है कुछ भी नहीं है ये केवल कॉन्सेप्ट लर्निंग है चलो ठीक है प्रदीप मैंने सीपीआर पे बहुत सारी क्लासेस करवा रखे हैं यदि तुम वो देख लोगे ना ठीक है तो तुम यहां सीपीआर लगाना लग, लगाने लग जाओगे ऐसा कुछ नहीं है मैंने करवा रखा है फाइनली देखो मैं पहले एक आर्ग्यूमेंट बोलूंगा ठीक है बस एक आर्ग्यूमेंट बोलूंगा एक लाइन का वो आपको समझना है यदि वो समझ में भी आ गया तब भी आप ये मानना कि आप बहुत आगे हो यार भीड़ से बहुत आगे हो आप ठीक है चलो मोहित का आर्ग्यूमेंट आ गया चलो आज बिल्कुल सही है एक बियर से भरी हुई बैरल में दो नल हैं मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ ठीक है ना और जो एक बीच में है बिल्कुल इसके मिडल में एक नल है ठीक है और ये छ मिनट में ठीक है ना छः मिनट में एक लीटर बियर निकाल देता है छः मिनट जब अपन इसको चलाते हैं तो एक लीटर बियर खाली हो जाती है ठीक है तल में एक दूसरा नल है और इसको दूसरे नल को अपन कब ओपन करते हैं जब ये बियर जैसे पहले मान लो पूरा भरा हुआ है तब तो अपन इसको ओपन करेंगे इस टाइप को ठीक है ना जब ये पन, ये इससे पानी ये इससे बियर आएगा ही नहीं ना पानी आ रहा है <laughs> ना तो ठीक है ना तो जब इससे बियर आएगी नहीं बाहर ही नहीं आएगी तब हम इसको काम में लेंगे ठीक है ना जब तक ये इससे बियर आएगी तब तक हम इसको काम में नहीं लेंगे ठीक है और मैं पहले बता के गया हूं कि बियर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ठीक है ना इसलिए ये नहीं कि एक एक दो दो बोतल लगा के और सरब सोल करेंगे एक लाइन है अभी मेरे साथ सीख लो ठीक है तो जब ये यहां तक खाली हो जाएगा तब हम इसको ओपन करेंगे और ये क्या करता है ये क्या करता है एक लीटर ठीक है ना एक लीटर निकाल देते हैं चार मिनट में ठीक है ना और इस पूरे की कैपेसिटी 36 लीटर है इसमें 36 लीटर भी है छत्तीस लीटर बियर कितने लोगों के लिए सफिशियंट होगी ये नहीं पूछा इसने ठीक है ना चलो ठीक है एक नया सहायक बैरल भरी होने पर नीचे वाला हाँ अब क्या होता है एक नया अटेंडेंट आता है ठीक है तो वो क्या करता है कि वो पूरी जब भरी हुई थी ना तभी वो यहां से खोल देता है और कुछ बियर निकाल देता है अब उसी वजह से क्या हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे मान लो रोजाना हम जितने मान लो ये पूरा एक ही साथ चल रहा है ठीक है ना पूरे चल रहे हैं तो उस दिन क्या हुआ कि इसको 24 मिनट पहले काम में लेना पड़ गया यानी ये जो दूसरा टैप टू है ठीक है ना ये 24 मिनट पहले चालू हो गया ठीक है ना तो अब ये बताना है कि जो नया सहायक था उसने कितनी देर इस टैप टू से बियर निकाल ली थी ठीक है ना बताओ बोलू अब मैं आर्ग्यूमेंट दू देखो हुआ क्या कि क्या हुआ ये 24 मिनट पहले मैं पहले इसको अच्छे से समझाऊंगा पूरा एक एक स्टेप भी समझेंगे हुआ क्या कि ये 24 मिनट पहले चल गया पहले चल गया इसका मतलब भी कि ये 24 मिनट पहले नहीं चलता तो ये 24 मिनट कौन चलता है ये चलता ठीक है ना वही चलता ना उसका चलना था 24 मिनट लेकिन उसकी बजाय 24 मिनट ये चला तो 24 मिनट में वो क्या करता वो चार लीटर निकाल देता तो वो चार लीटर इसने यहां से निकाल ली ये चार लीटर निकालने के लिए इसको 16 मिनट चलना पड़ा चलो खत्म अब इसको पूरा समझते हैं ठीक है ना अब आपको ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएगा ये छत्तीस लीटर है इसका मतलब अठारह लीटर आदि है और अठारह लीटर यहां पर है ठीक है ये अठारह लीटर एक लीटर 6 मिनट में आता है तो अठारह के लिए कितना टाइम लगेगा एक सौ आठ मिनट ठीक है और ये चार मिनट में एक लीटर आता है तो अठारह लीटर के लिए 72 टू मिनट ठीक है इसका मतलब है टोटल तीन घंटे ये टाइम लगता है इसको खाली होने में ठीक है लेकिन अब हुआ क्या अब ये हुआ कि ये अब ये हुआ कि ये 24 मिनट पहले ये स्टार्ट हो गया ठीक है ना यानी ये 24 मिनट कम चला ये मिनट कम चला ना ठीक है तो ये ये मिनट पहले चालू हो गया तो 108 मिनट पे चलना था मान लो एक मिनट से स्टार्ट हुआ तो ये 108 मिनट पर इसको चलना था टैप टू को 108 मिनट पर लेकिन ये 24 मिनट पहले स्टार्ट हो गया तो पीछे चलो 24 मिनट कितना हो जाएगा आठ और 16 यानी 84 मिनट पर ठीक है ना 84 मिनट पर ही ये चालू हो गए ठीक है तो वो कितना चला ये 84 मिनट चला 84 मिनट में ये, कितना ये निकाल देगा? में एक निकालता तो एट्टी फोर में 14 लीटर निकाला ठीक है ना तो इसने 14 लीटर ही निकाला है अब जो बी है टैप टू है ये क्या करेगा ठीक है ना जो ये चार लीटर थी देखो इसने फोर्टीन लीटर ही इस, इस स्टेप वन से निकला है तो जो चार लीटर था ठीक है ये चार लीटर ये क्या कैसे खाली हुआ इसका ये चार लीटर इसने खाली किया था तो चार लीटर को खाली करने में इसको सोलह मिनट लगेंगे ठीक है ना तो ये सब जो आर्ग्यूमेंट है अब समझ में आया देखो हमने आगे पूरी क्लास में ये आर्ग्यूमेंट काम में लिए थे ठीक है तो जब आप नए नए वेराइटी से नई नई चीजों के साथ कॉन्सेप्ट सीखते हो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत अलग लेवल पे आ जाएंगे ठीक है अब ये बताओ ठीक है अब समझ में आ गए बोलो ठीक है ना क्लियर हो गया ये तो अब भी इनको आप अपने अच्छे से नोट्स बनाओगे और मंडे या ट्यूसडे में अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे उसके लिए तैयार हो जाना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारे थोरम सारे टाइप जितने उसने 20 साल में पूछे होंगे ना वो सारे मैं करवा दूंगा ठीक है चले तैयार है सब? अब इसको देखो एक बार दोबारा फाइनली कर सकते हैं कि ये जो 24 मिनट जल्दी चला ठीक है ना इसका मतलब ये 24 मिनट कम चला तो ये 24 मिनट में कितना काम करता चार लीटर निकालता तो ये चार लीटर इसने निकाली है ठीक है चार लीटर निकालने में 16 मिनट लगेंगे डन तो अभी अपन मिलते हैं मंडे ट्यूसडे में और सभी बच्चों को पॉजिटिव रहना है खूब एनर्जेटिक होकर आगे बढ़ना है ठीक है और फाइनली मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको सदबुद्धि दे, दे आप सबका कल्याण हो आपने जो भी सपने सजाए हैं अपने लाइफ के लिए अपने सिलेक्शन के लिए वो भगवान आपके पूरे करें और भगवान मुझे भी ताकत दे कि मैं इस जर्नी को पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ाऊं और जो मैंने सपना देखा है वैदिक मैथ्स को भारत के हर बच्चे तक पहुंचाने का मैं उसमें सफल हूं भगवान मुझे प्रेरणा दें आप सबका भी कल्याण करें धन्यवाद जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद